So, hello everyone, this is Shobhit Tirwan. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के बारे में। प्यार से हम इसे एपी भी कहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा दिमाग खा रखा है इस चैप्टर ने बच्चों का, इतना ज्यादा कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है ना चैप्टर कि भैया यार बस एपी पढ़ा दो भैया और सब समझ में आ गया, बस एपी दिमाग खा के बैठा है। टेंशन मत लो, शोभित भैया आ चुके हैं, एपी का एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप एपी के चाहे एनसीईआरटी का सवाल उठा लेना, आरडी का सवाल उठा लेना, प्रीवियस ईयर का सवाल उठाना, कोई क्वेश्चन सैंपल पेपर का सवाल उठा लेना, सारे कर दोगे। इस तरह से आपकी पूरी एपी मैं यहाँ पे क्लियर करवाने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हेडिंग डाल लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम प्यार से कहते हैं एपी, जिसे हम प्यार से कहते हैं एपी। उससे भी पहले छत पे सब बच्चे ये लिख लेंगे कि इस साल हम दसवीं में एम करते हैं कि हम लेके आएंगे 100/100 इन मैथ्स। हम क्या एम करते हैं कि हम दसवीं में लेके आएंगे 100/100 इन मैथ्स। और अगर शोभित भैया आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो 100 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई तो आप पूरा चैप्टर बहुत प्यार से कर लोगे। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिख रखी है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ये है, ध्यान से सुनना। लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। क्या बोला भैया? एक लिस्ट है नंबर की जिसमें कि हर एक टर्म जो है वो पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर एड करने से मिलती है। क्या बोला भैया? अभी भी समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आया था। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो हमने शुरुआत करा कि भाई पहली टर्म है दो, पहली टर्म है दो, एक फिक्स नंबर लेते हैं, उसको दो में ऐड करना शुरू कर देंगे। मान लो कोई फिक्स नंबर ले लेते हैं तीन, तो दो में अगर हम तीन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? पांच बन जाएगा। पांच में अब हम तीन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? आठ बन जाएगा। आठ में अब हम तीन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्यारह बन जाएगा। ग्यारह में अब हम तीन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा। 14 में अब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 17 बन जाएगा। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है इसे प्यार से दुनिया वाले कह देते हैं एपी। मैं कह रहा था इसे प्यार वाले कहते हैं एपी, इसे प्यार से दुनिया वाले कह देते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बार और समझे, सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है। ये समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर क्लियर है। एपी की डेफिनेशन ये कहती है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। क्या है ये? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इन विच हर एक टर्म जो है, ये जो एपी में यहां पे लिखी होती है ना, ये सारी टर्म्स होती हैं, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। हमने क्या करा? दो में तीन ऐड करा, पांच मिला। पांच में तीन ऐड करा, आठ मिला। तो एक फिक्स्ड नंबर था। कौन सा फिक्स्ड नंबर था? हमने कौन सा फिक्स्ड नंबर यहां पे यूज करा? तीन यूज करा। इस एग्जांपल में हमने फिक्स्ड नंबर तीन यूज करा। तो दो में तीन ऐड करा, पांच मिला। अब इन्होंने बोला अगली टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में क्या कर दो? तीन ऐड कर दो। तो पांच में तीन ऐड करेंगे, आठ मिलेगा। आठ में तीन ऐड करेंगे, ग्यारह मिलेगा। ग्यारह में तीन ऐड करेंगे, चौदह मिलेगा। चौदह में तीन ऐड करेंगे, सत्रह मिलेगा। इस तरह से आगे ये पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं इन्हें कह देते हैं टर्म। तो जैसे ये जो है इसे कह देंगे हम फर्स्ट टर्म ए वन, इसे हम कह देंगे सेकंड टर्म ए टू, इस तरह से लिख देते हैं। इसे कह देते हैं हम थर्ड टर्म ए थ्री। ये सबस्क्रिप्ट में थ्री है, छोटा, ऐसे नहीं है ए इंटू थ्री, ऐसे नहीं है ये ए और नीचे थ्री है। तो ये है ए थ्री, टर्म नंबर थ्री। ये है टर्म नंबर फोर। ये है ए फाइव। ये है टर्म सिक्स, ए सिक्स। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो मान लो इसमें 50 टर्म हुई तो ए 50 हो जाएगा। पर अभी हमें पता नहीं है कितनी टर्म है, तो हम यहां पे ना एपी में लिख देते हैं ए एन, कि मान लो एन टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं यहां पे? एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अभी हमें पता नहीं है 100 हो सकती है, 500 हो सकती है, 600 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 10000 हो सकती है। तो हमने बोल दिया जितनी भी हैं वो एन है, वो एक नंबर है एन। एन जो होगा वो कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। एन इज अ नेचुरल नंबर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें कि हम अगली टर्म प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या करा कि इस प्रीसीडिंग टर्म में तीन ऐड करा तो हमें पांच मिला। इस वाली टर्म में हमने तीन ऐड करा तो आठ मिला। तो हमने क्या करा? प्रीसीडिंग टर्म में, प्रीसीडिंग मतलब पिछली, तो पिछली टर्म में हमने कुछ ऐड करा तो हमें ये वाली टर्म मिल गई। पिछली टर्म में हम कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगी। इस वाली टर्म में हम कुछ फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इस वाली टर्म में हम कुछ फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये जो थ्री है ये हर एक में कॉमन है। ये जो थ्री डिफरेंस है इन दोनों नंबर के बीच में, डिफरेंस क्या है? तीन है। इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? तीन है। इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? तीन है। इन दोनों के बीच में तीन है। इन दोनों के बीच में तीन है। तो ये तीन जो है ये कॉमन है। तो दुनिया वालों ने इसे प्यार से कह दिया कॉमन डिफरेंस। क्या कह दिया? कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस को इन्होंने ऐसे सिंबल में कह दिया डी।
कैसे निकालेंगे, अगली माइनस पिछली कर दो भाई, ए टू माइनस ए वन अगर मैं करूंगा, ए टू क्या फाइव माइनस टू, तो फाइव माइनस टू अगर मैं करूंगा तो मेरे को थ्री मिल जाएगा। कोई कहेगा भैया आठ माइनस पांच भी तो कर सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल, ए थ्री माइनस ए टू कर दो, आठ माइनस पांच कर दो जब भी तीन आएगा। कोई कहेगा भैया यार ऐसे तो आप फोर माइनस थ्री भी कर सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल फोर माइनस थ्री भी कर सकते हैं भाई, फोर माइनस थ्री कर दो, ए फोर माइनस ए थ्री हो गया इलेवन माइनस एट, तो ये भी थ्री आएगा। कोई कहेगा भैया ऐसे तो यार ए फाइव माइनस एट, मैंने कहा बिल्कुल ए फाइव माइनस ए फोर भी कर सकते हो, तो ए फाइव माइनस ए फोर क्या हुआ फोर्टीन माइनस इलेवन, फोर्टीन माइनस इलेवन क्या हुआ थ्री हुआ। तो मतलब कि भैया ऐसे तो कोई भी अगली से पिछली वाली कर दे हम माइनस, तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल यही तो याद करना था, अरे बिल्कुल यही तो याद करना था। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है अगली माइनस पिछली, अगली माइनस पिछली जो होगा इसे हम क्या कह देंगे, कॉमन डिफरेंस कह देंगे। ठीक है, क्या होगा कि भाई ए टू माइनस ए वन कर दो, चाहे आप ए थ्री माइनस ए टू कर दो वही आएगा, चाहे आप ए फोर माइनस ए थ्री कर दो वही आएगा, ए फोर माइनस ए थ्री कर दो वही आएगा, चाहे आप ए फाइव माइनस ए फोर कर दो वही आएगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप ए एन में से माइनस कर दोगे, एन के पिछली वाली कौन सी होगी भैया, अगर ये एन है तो इससे पिछली वाली यहां पे कौन सी होगी, एन माइनस वन होगी भैया, सिक्स है तो ये सिक्स माइनस वन है, ये फाइव है तो फोर माइनस फाइव माइनस वन फोर है, तो एन है तो एन माइनस वन होगी, तो ए एन में से ए एन माइनस वन कर देंगे हम। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं दुनिया वाले, इसे दुनिया वाले कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो मैंने यहां पे आपको बताया, ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस होता है अगली माइनस पिछली, क्लियर क्लियर, कॉमन डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा, हमने ये करा है कि हमने हर टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके अगली टर्म निकाली है, क्या हमने ये करा है भाई, दो में तीन ऐड करा पांच मिला, पांच में तीन ऐड करा आठ मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने पहली टर्म में डी 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 कॉमन डिफरेंस डी ऐड करा है, तो 2 प्लस डी करा 5 मिला, 5 प्लस डी करा 8 मिला, 8 प्लस डी करा ये मिला, हम ये बोल सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, मैंने पहली टर्म मान लो 2 थी, 2 को मान लो मैंने a बोल दिया, ठीक है 2 को मैंने a बोल दिया, तो a में मैंने d ऐड करा तो मेरे को a2 मिला, पिछली में मैंने d ऐड करा तो ये मिला। अब इससे अगली चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें d ऐड कर दूंगा, इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें d ऐड कर दूंगा तो मेरे को ये वाली मिल जाएगी, तो a प्लस डी प्लस डी ए प्लस टू डी हो गया। अब मेरे को इसकी अगली चाहिए तो मैं इसमें d ऐड कर दूंगा तो ये मिल जाएगा a प्लस थ्री डी, इससे अगली a प्लस फोर डी टर्म, इससे अगली टर्म a प्लस फाइव डी, उससे अगली a प्लस सिक्स डी, इस तरह से आगे आगे चलती रहेगी। इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, तो हमें ये भी याद रखनी है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी यहां पे जो मैंने लिख दी। तो आपकी स्क्रीन पे इस समय कुछ तीन चीजें लिखी हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। पहली, ये डेफिनेशन आपको समझनी है, डेफिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ ऐसा बताया, अरे कुछ नहीं है यार, एक नंबर उठाओ उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करो, फिर उसमें फिक्स नंबर ऐड करो, फिर उसमें फिक्स नंबर ऐड करो, तो फिक्स नंबर वो ऐड होता चला जाएगा, एक एपी बन जाएगी, ठीक है। अब ये एपी जो है इसमें पहली टर्म दूसरी टर्म ए थ्री ए फोर ए फाइव इस तरह से ए एन एन टर्म्स होती हैं, ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमें एक एपी दे दी, हमें एक एपी देने के बाद बोल दिया कॉमन डिफरेंस निकालो, तो सिंपल है यार, अगली माइनस पिछली कर दो, जितनी भी अगली माइनस पिछली होंगी वो सारे सेम होंगे, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने ये देखा कि पहली हमने ए मान ली तो अगली होगी ए प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, इस तरह से आगे आगे चलता रहेगा। ये हमने बेसिक बेसिक पढ़ा अभी तक एपी में, डेफिनेशन क्लियर है, अब तो ये पूरा चैप्टर ही क्लियर है, आगे आ जाओ, चलो सवाल करते हैं बहुत प्यारा सा। इन्होंने बोला है कि हमें पहली टर्म दे दी और हमें कॉमन डिफरेंस दे दिया, जब भी ए लिखा होगा ए मतलब पहली टर्म है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ना जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी में पहली टर्म क्या है ए है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस टू डी, तो हमें बोल दिया कि जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है मान लो पांच, और सेकेंड टर्म जो है और थर्ड टर्म जो है फोर्थ टर्म जो है ये सारी हमें निकालनी है, बेसिकली हमें एपी बनाना है। तो भाई अगर पहली टर्म है पांच और कॉमन डिफरेंस है दो, तो पांच में हम क्या करेंगे दो ऐड करेंगे तो मिल जाएगा सात, सात में हम दो ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें नौ, नौ में हम दो ऐड करेंगे, नौ में हम दो ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें ग्यारह, ग्यारह में हम दो ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा तेरह, तेरह में अगर हम दो ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा पंद्रह, इस तरह से ये भी चलती रहेगी। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है,
इस तरह से हम लिख सकते हैं, पहली टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, बनाते रह जाओ, अरे भैया खींच दो पूरी लाइन, आसान है। अब मान लो इस तरह से लिखा हुआ है कि पहली टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है -1, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई मान लो पहली टर्म है 3, 3 में हम -1 ऐड करेंगे, प्लस क्या करेंगे हम -1 ऐड करेंगे, तो 3 में -1 ऐड करेंगे 2 बनेगा, 2 में -1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 1 में -1 ऐड करेंगे 0 बन जाएगा, 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1 बन जाएगा, -1 में -1 ऐड करेंगे तो -2 बन जाएगा, इस तरह से ये भी चलती रहेगी। आसान है लिखना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है, हलवा चैप्टर है बिल्कुल, इससे आसान चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स में नहीं है, कुछ भी नहीं है, 3-4 फॉर्मूले है, पूरा पूरा चैप्टर निकल जाएगा। अभी देखना है क्या, पहली टर्म है -2, डी ए 1, तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 बन जाएगा, -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी। फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1, बहुत बढ़िया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 बन जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 बन जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 बन जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 बन जाएगा, इस तरह से। ये तो भैया नेचुरल नंबर ही हो गए, तो मतलब की नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इन एपी, क्या बोला मैंने, नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इन एपी, भाई नेचुरल नंबर्स भी सारे एपी में, भाई सब में एक एक ऐड करते गए तो बन गया नेचुरल नंबर, बहुत आसान है। मान लो हमें a बराबर 2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई पहला टर्म 2 हो गई, 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2 ही बनेगा, फिर 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2 ही बनेगा, तो इस तरह से 2 2 2 2 इस तरह से बनती रहेगी आगे। आसान था, अभी तक कोई बड़ी बात नहीं करी हमने, आसान आसान चीजें करी है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक और एपी बनाते हैं, अब क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। अभी पिछले में हमें बोल दिया था कि हमें पिछले क्वेश्चन में क्या बोला कि ए और डी दे रखा है, एपी बनाओ। अब बोल रहा है कि हमने लिस्ट ऑफ नंबर दे दिए, बताओ ये एपी है या नहीं, चेक करना है कि एपी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे भाई, एपी के लिए हमने ये पढ़ा फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए सब में, भाई जितनी भी अगली माइनस पिछली करेंगे वो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है मतलब ये एपी है, तो ऐसे ही कर लेते हैं, अगली माइनस पिछली करते हैं। मान लो इस वाले में ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, तो अगले माइनस पिछली करते हैं, ए टू माइनस ए वन अगर हम करें तो ए टू माइनस ए वन हो गया 10-4, 10-4 क्या हो गया 6, बहुत बढ़िया। ए टू माइनस ए थ्री करते हैं, ए थ्री माइनस ए टू करें तो ए थ्री माइनस ए टू क्या बनेगा 16-10 भी 6 होगा, बहुत बढ़िया। ए फोर माइनस ए थ्री कर लेते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री कर लेंगे तो बन जाएगा 22-16, ये भी 6 हो गया, बहुत बढ़िया। ऑल द कॉमन डिफरेंस आर सेम, क्या कि सिंस कॉमन डिफरेंस जो कि हम डी से बोलते हैं, जो कि होता है ए टू माइनस ए वन जो कि बराबर आ रहा है ए थ्री माइनस ए टू के, जो कि बराबर आ रहा है ए फोर माइनस ए थ्री के, सिंस हम ये कह सकते हैं कि ये प्रूव हो रहा है, देयरफॉर इट इज एन एपी। सिंस कॉमन डिफरेंस जितने भी हमने देखे अगले माइनस पिछले करके वो बराबर है, तो हम ये कह देंगे कि एक एपी है, वो आसान है, कुछ भी नहीं है। तो एपी हमें निकालने के लिए हमें अगर वेरीफाई करना है कि एक गिवन सीक्वेंस जो है, एक गिवन लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो अगर एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अगली माइनस पिछली कर देंगे सबकी, और अगर सब में बराबर आ रहा है एपी होगा। क्लियर क्लियर, आसान है, बहुत आसान है। इसमें करके देखें तो मान लो इसे हम ए वन बोल दें, इसे हम ए टू बोल दें, इसे हम ए थ्री बोल दें, इसे हम ए फोर बोल दें। यार ठंड हो रही है दिल्ली में और भाई सब पसीने आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों आ रहे। मेहनत क्या है ना, ज्ञान देता हूं थोड़ा सा, पढ़ लेते हैं। मेहनत करोगे तो पसीना आएगा, तो अगले माइनस पिछली करते हैं इसमें भी। तो ए टू माइनस ए वन अगर हम करें तो ए टू माइनस ए वन क्या है, 2-2, तो ये क्या आ रहा है 2+2 हो गया 4। ए थ्री माइनस ए टू करके देखें, ए थ्री माइनस ए टू क्या होगा, ए थ्री जो है वो है -2 और माइनस ए टू जो है वो है 2, तो -2-2-4। अरे ले, यहां तो दो करते ही पता चल गया कि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। क्या लिखेंगे हम इसमें, सिंस कॉमन डिफरेंस डी जो कि है होता है ए टू माइनस ए वन, इट इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। भाई शुरुआत में हो गया, आगे क्यों करें भाई, एक ही अगर नहीं हो पाया वेरीफाई तो आगे क्यों निकालते रहें, आगे तो जब तक निकालेंगे जब तक हमें वेरीफाई होता रहे। मान लो एक दूसरे में पता चल गया कि बराबर नहीं है, तो आगे क्यों टाइम वेस्ट करें निकाल के। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, तो ये एक एपी नहीं है। बहुत बढ़िया जी, बताओ ये एक एपी है या नहीं, बिल्कुल निकाल लेंगे भाई। इसको ए वन मान लेते हैं, इसको ए टू मान लेते हैं, इसको ए थ्री मान लेते हैं, इसको ए फोर मान लेते हैं।
अब हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं, तो हमें क्या करना है, अगली माइनस पिछली करनी है, ए टू माइनस ए वन निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन क्या होगा, फाइव बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, तो ये हो गया फोर बाय थ्री, शाबाश। ए थ्री माइनस ए टू करके देखें तो ए थ्री माइनस ए टू हो जाएगा नाइन बाय थ्री माइनस फाइव बाय थ्री, ये भी आ गया फोर बाय थ्री, वाह बेटे। ए फोर माइनस ए थ्री कर लेते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री करेंगे तो थर्टीन बाय थ्री माइनस नाइन बाय थ्री, तो ये क्या होगा, थर्टीन, थर्टीन में से नाइन का फोर, फोर बाय थ्री, शाबाश। सिंस सिंस ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, देयरफॉर इट इज एन एपी। सारे के सारे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो हम कह देंगे ये एपी है। अरे इतना मुश्किल कोई है, आसान है, कुछ नहीं करना, अगली माइनस पिछली कर दो, इसमें भी कर देते हैं अगली माइनस पिछली, मान लो ये ए वन है ये ए टू है, ये आपको ना सवाल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले को नहीं पता आप ए वन ए टू किसको कह रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट दिस इज ए वन दिस इज ए टू दिस इज ए थ्री दिस इज ए फोर, इस तरह से हमें दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, ए टू माइनस ए वन करेंगे, उससे पहले हम तो ए टू माइनस ए वन होगा थ्री प्लस रूट टू माइनस ए वन क्या थ्री, तो ये क्या, ये क्या, ए वन क्या रूट टू, शाबाश। अगला करें तो ए थ्री माइनस ए टू करके देखें, ए थ्री माइनस ए टू थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री प्लस रूट टू हमें करना, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर अगर हम ले जाते हैं तो ये बन जाएगा थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू, तो थ्री से थ्री गया, टू रूट टू माइनस रूट टू इज रूट टू, तो पहले का कॉमन डिफरेंस रूट टू, दूसरे का कॉमन डिफरेंस रूट टू, चलो ए फोर माइनस ए थ्री भी कर ही लेते हैं भाई, हमें अपने आप से पक्का श्योर होना है, ठीक है, ये नहीं कि भैया दो तक आ गया तो तीसरा तो होगा ही, नहीं 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 क्या पता तीसरे में फंस जाए, तो इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी रखनी है, तो पूरी श्योरिटी रखने के लिए हम ए फोर माइनस ए थ्री भी कर रहे हैं, क्या कि थ्री प्लस थ्री रूट टू में से माइनस करेंगे थ्री प्लस टू रूट टू माइनस करेंगे, तो थ्री प्लस थ्री रूट माइनस अंदर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा थ्री प्लस थ्री रूट टू माइनस थ्री माइनस टू रूट टू, तो भाई थ्री से थ्री गया, थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू बन जाएगा वापस से रूट टू, तो अब हम कह सकते हैं बिल्कुल अब हम पक्का श्योर है कि हाँ भाई सिंस ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, सिंस ये तीनों बराबर हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। तो अभी तक हमने चार सवाल करे, हमने वेरीफाई करा कि वो एपी है या नहीं, ठीक है, अभी हमें लिस्ट ऑफ नंबर दे रखे थे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अब हम ऐसा करेंगे, अच्छा अभी भी दो सवाल बचे हैं, मैंने सोचा अब आगे अगला सवाल, चलो इसे भी कर ही लेते हैं जी पहले, फिर लेवल बढ़ा लेंगे, इसे मान लेते हैं A1, इसे मान लेते हैं A2, इसे मान लेते हैं A3, इसे मान लेते हैं A4, A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या होगा, A2 है रूट सिक्स माइनस A1 है रूट थ्री, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, लगाओ मैथ्स लगाओ, बचपन की मैथ्स की कैलकुलेशन पढ़ी होगी आपने नौवीं में आठवीं में, रूट सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट सिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं माइनस रूट थ्री, भाई रूट सिक्स को रूट सिक्स को रूट टू माइनस रूट थ्री लिख सकते, रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं बिल्कुल, तो अब रूट थ्री इसमें से कॉमन ले लें, तो इसमें से रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा रूट टू माइनस वन, यहां तक ये सॉल्व हुआ, बहुत बढ़िया। चलो ए थ्री माइनस ए टू करके देखते हैं, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है रूट नाइन माइनस रूट सिक्स, रूट नाइन तो थ्री होता है और रूट सिक्स को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री, अब इसमें से अगर रूट थ्री कॉमन लेंगे, अगर इसमें से हम रूट थ्री कॉमन लेंगे तो रूट थ्री कॉमन लेने पर थ्री की जगह क्या बचेगा, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं रूट थ्री माइनस रूट टू तो क्या मैंने कुछ गलत करा, देखना एक बार कुछ गलत करा नहीं करा, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री बन जाएगा माइनस रूट थ्री इंटू रूट टू, वही चीज हमें मिल गई वापस थ्री माइनस टू रूट थ्री, तो हमें सेम चीज मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं कि गलती कुछ नहीं, हमने इसको बस अपनी सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ऊपर रूट थ्री बाहर था तो मैंने कहा चलो रूट थ्री बाहर लेके देखते हैं, रूट थ्री बाहर लेने के बाद भी ऊपर नीचे सेम नहीं बन रहे हैं, तो हम ये कह देंगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, शाबाश। चलो इसमें देखते हैं, इसको मान लो A1 है, ये मान लो A2 है, ये मान लो A3 है, ये मान लो A4 है, A2 माइनस A1 करके देखते हैं, तो A2 माइनस A1 क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 4 टू ज 8, ठीक है जी 4 टू ज 8। अब हम करते हैं A3 माइनस A2 चेक, A3 माइनस A2 चेक क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या है, या तो ऐसे कर लो या फिर ये a plus b into a minus b कर लो, a plus b into a minus b कर लो, आसान रहता है, 5 plus 3 is 8, 5 minus 3 is 2, बांट दो 16, तो गलती हो गई जी, तो गलती हो गई, 25 minus 9 16 होते हैं,
बिल्कुल 8 × 2 = 16 होते हैं, तो पहला वाला और दूसरा वाला कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, therefore it is not an AP. तो ये भी AP नहीं है. यहां तक क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने चेक करा बहुत सारे नंबर्स को कि AP है या नहीं. अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं. लेवल हम बढ़ाएंगे क्या? अब हमें इस इक्वेशन को चेक करना है. ये जो हमें पूरा एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इस वर्ड प्रॉब्लम में जो भी हमें बन के निकलेगा क्या वो एपी है या नहीं, ये हमें चेक करना है. क्या है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल. ध्यान से सुनना. देखो एपी में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इनमें, वर्ड प्रॉब्लम्स में. पता है क्यों आती है? क्योंकि हम कंसंट्रेशन से किसी सवाल को नहीं पढ़ते. अगर आप कंसंट्रेशन से वर्ड बाय वर्ड सवाल को पढ़ो ना, बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं आती. बस ये है कि हम सोचते हैं यार आसानी से निकल जाए पूरा सवाल, ऐसे नहीं निकलेगा. आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. अभी दसवीं में अगर आप कर रहे हो तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ऐसी तो ग्यारहवीं में शुरुआत के पहली एक्सरसाइज में आ जाती है. तो इसलिए घबराना नहीं इनको देख के, बहुत आसान होते हैं. बस क्या है, अपना दिमाग चलाओ, जैसा ये बोल रहा है वैसे वैसे सोचो और आंसर निकलेगा. इलेवंथ में ऐसे ही भरे रहते हैं सवाल, ट्वेल्थ में ऐसे ही भरे रहते हैं. तो इसलिए डरना नहीं है इनसे. इलेवंथ ट्वेल्थ में मैथ्स लेनी है, लड़ना है, ठीक है, इनको फेस करना सीखना है हमें. तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट, हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल जो है क्या ये एपी में होगी, जबकि 150 फॉर द फर्स्ट मीटर है और राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर. मतलब कि पहले मीटर के लिए क्या बोला इन्होंने कि पहले मीटर जो होगा, जो पहला मीटर होगा, उस पहले मीटर तक खोदने के लिए 150 रुपए लगेंगे. फिर उसके बाद जितने भी आगे आगे मीटर है उसमें 50-50 रुपए बढ़ते रहेंगे. सेकेंड मीटर जो होगा और दूसरा मीटर तक खोदने के लिए इसमें 50 बढ़ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, प्लस 50 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 200. थर्ड मीटर के लिए इसमें प्लस 50 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 250. फोर्थ मीटर के लिए क्या हो जाएगा, इसमें प्लस 50 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 300. तो इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा. हमें बताना है क्या ये एपी है या नहीं है. एपी देखने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो हमें दिखते ही समझ में आ रहा है कि भाई सब में 50 ऐड हो रहा है, एक कॉमन डिफरेंस सेम है सब में, तो ये एपी है. पर एग्जाम में तो लिख के आना पड़ेगा. तो हम कह देते हैं कि मान लो ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म है A2, ये थर्ड टर्म है A3, ये फोर्थ टर्म है A4. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम A2 - A1 चेक करेंगे. A2 - A1 चेक करेंगे तो बन जाएगा 200 - 150, तो ये बन जाएगा 50. ऐसे ही हम A3 - A2 कर देंगे. A3 - A2 जो होगा वो होगा 250 - 200. 250 में से 200 गए तो ये भी बने 50. ऐसे ही हम A4 - A3 करेंगे. A4 - A3 करेंगे तो ये बन जाएगा 300 - 250. 300 में से गए 250, तो ये भी बन जाएगा 50. तो हम ये कह सकते हैं, सिंस ऑल द कॉमन डिफरेंस आर सेम, ऑल द कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी. तो ये एपी होगा, ठीक है. क्या कह सकते हैं हम, या तो हम ऐसे करते हैं, या हम थ्योरी में भी लिख सकते हैं, सिंस अ कॉमन फिक्स नंबर इज एडिंग एवरी टाइम, देयरफॉर इट इज एन एपी. ये भी हम लिख सकते हैं, पर ये अच्छे से हमने बड़ा बड़ा करके लिख दिया ना. कई बार होता है ना कि ये सवाल 2-3 नंबर में दे देते हैं तो हम कहते हैं यार एक लाइन में कैसे आंसर लिखें, तो बड़ा बड़ा फैला फैला के लिखना. तो इस तरह से आप लिख सकते हो, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा. गॉट इट? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. चलिए अब आता है एक और क्वेश्चन जो कि हमें बताना है एपी में है या नहीं है. ध्यान से सुनना, बहुत आसान है ये. बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्वेश्चन, पर है बिल्कुल ही ऐसे लल्लू सा. पता नहीं क्यों बच्चे इसका हाइट बना के रखते हैं. अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर जो है क्या ये एपी में है या नहीं है. व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. क्या बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि वैक्यूम जो है वो सिलेंडर में से हर बार 1/4 हवा निकाल देता है. सिलेंडर में जितनी भी हवा होगी उसमें से 1/4 हवा हर बार निकालते रहता है. मतलब कि मान लो इनिशियल हवा जो थी सिलेंडर में वो V थी. अगली बार क्या होगा, वो क्या करेगा, इस वी में से 1/4 ऑफ दिस हटा देगा, 1/4 ऑफ द हवा हटा देगा. तो क्या हो जाएगा, V - V/4, तो ये बन जाएगा 3V/4. अब आगे क्या करेगा, ये इस 3V/4 में से 1/4 ऑफ जो भी एयर प्रेजेंट होगी उस टाइम पे लिखा है ना, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, तो उस टाइम पे जो हवा होगी उसका 1/4, तो 3V/4 का 1/4 हटा देगा. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 3V/4 हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 - 1/4, तो ये बन जाएगा 3V/4 × 3/4, तो ये बन जाएगा 9V/16. तो अब बन गया, अब कितनी हवा बच गई सिलेंडर में, 9V/16. ये मैंने V क्या लिया है, V मैंने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है. हम मान सकते हैं कि भाई इनिशियल वॉल्यूम V थी, V के बाद 3V/4 होगी,
फिर उसके बाद उसमें से 1/4 हटी तो 9v / 16 हो गई। इस तरह से आगे जो होगा ये हवा हटती जाएगी। अब हमें बताना है कि ये जो टर्म्स बन रही हैं क्या ये एपी में है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक एक ये लिखोगे लाइन आंसर करने से पहले, लेट इनिशियली वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इज वी, ठीक है। क्योंकि हमें ना एग्जाम में जब लिखना होता है, ऐसे में समझा रहा हूं तो मैं तो आधे लाइन में कर दूंगा सवाल, पर आपको जब एग्जाम में आंसर शीट में लिखना होता है, प्रेजेंट करना होता है पेपर, तो आपको एक एक चीज समझानी पड़ती है। आप ये मानो कि आपके सामने जो टीचर बैठा है, जो टीचर चेक कर रहा होगा, वो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है, उसे सब चीज बतानी है कि देख बेटा पहले वी होगी, फिर वी में से हम इतनी हटाएंगे तो वी बाय फोर होगी, फिर वी बाय फोर में से हम वापस से 1/4 हटाएंगे तो 3 वी बाय फोर, तो इस तरह से जो होगा हमारा ये क्वेश्चन चल रहा होगा। इस तरह से आपको समझाना है पूरा। तो पहले वी थी, फिर 3 बाय 4 थी, फिर ये थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें बताना है ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट वी इज ए वन, 3 वी बाय 4 इज ए टू, फिर उसके बाद 9 वी बाय 16 इज 18, ए थ्री। अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस को कैसे हम करेंगे, ए टू माइनस ए वन। सबसे पहले तो ए टू माइनस ए वन क्या होगा, 3v by 4 minus v by 4, 3v by 4 minus v by 4, तो ये बन जाएगा 2v by 4, मतलब कि v by 2, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम करेंगे a3 minus a2 चेक, a3 minus a2, a3 क्या है 9v by 16, 9v by 16 में से माइनस करेंगे 3v by 4 को, तो 3v by 4 को इसमें से माइनस करें, LCM ले लेते हैं हम 16 का, तो हो जाएगा 9v minus 4, 4 जा 16, 4, 3 जा 12, 12v, तो ये बन जाएगा minus 3v by 16। तो क्या पहला और दूसरा बराबर है, बिल्कुल नहीं है, therefore हमें कह देंगे it is not an AP, it is not an AP। तो सवाल जो था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही आसान था, बस बच्चों को क्या होता है ना वो इनिशियल v, फिर उसमें से v में से v by 4 गया, समझ रहे हो, ये दिक्कत आती है बच्चों को। तो बस हमें समझना है सवाल को अच्छे से, क्या इनिशियल v था और इसने बोला है हर टाइम जो भी प्रेजेंट होगी उसका 1/4 हटा दो, तो अभी v प्रेजेंट थी तो 1/4 ऑफ v हटा दिया, फिर 3v by 4 प्रेजेंट था तो 1/4 ऑफ 3v by 4 हटा दिया, फिर 9v by 16 प्रेजेंट है, अब 9v by 16 प्रेजेंट है तो अब क्या करेंगे हम, 9v by 16 में से 1/4 ऑफ 9v by 16 हटाएंगे, फिर हमें अगले की डब्बा मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मिलेगा उसमें से 1/4 ऑफ जो भी अभी हमें मिलेगा वो हम हटा देंगे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं बार बार 1v by 4 हटाना है, नहीं नहीं नहीं, उसने बोला है 1/4 ऑफ द प्रेजेंट एयर एट दैट टाइम, तो क्या था प्रेजेंट उस समय 3v by 4 था, 3v by 4 में से 1/4 ऑफ 3v by 4 हटाएंगे, इसमें से 9v by 16 में से 1/4 ऑफ जो है 9v by 16 वो हटाना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, अब बताना है इसमें भी कि ये एपी है या नहीं। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, बताओ ये जो अमाउंट ऑफ मनी है क्या ये एपी में है या नहीं, जब 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, कि भाई 10,000 रुपए लाके डाल दिए बैंक में, अब ये 8% से बढ़ रहे हैं, तो जो 8% से बढ़ते जा रहे हैं आगे, क्या ये एपी में है ये बता रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बताओ किसने देखी है बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें पूछती है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, थोड़ी सी पुरानी मूवी है, पता नहीं शायद आपने देखी होगी यार, आपके तो एज ग्रुप की है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 की पावर में टाइम, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कि जो अमाउंट बचेगा, जो अमाउंट होगा अगले साल वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो भाई अगर हम देखें फर्स्ट ईयर पे, तो फर्स्ट ईयर पे कितना अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर पे होगा 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर में 1, इतना होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में इतना अमाउंट बचेगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हमारे पास अमाउंट होगा वो देखते हैं, वो होगा 10,000 इंटू 1+8/100 इनकी पावर में 2, भाई टाइम देखना है ना हमें, भाई टाइम में बस चेंज करते रहेंगे, बाकी सब तो सेम है, 8% से हर साल बढ़ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा 10,000 रहेगी, बस साल बढ़ते जा रहे हैं, तो यहां पे हो गया पावर 2। थर्ड ईयर में क्या बोला, थर्ड ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा, ये थर्ड ईयर में हो जाएगा 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर में 3, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा।
अब बताना है कि ये जो सीक्वेंस बनी, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बने, क्या ये एपी में है? अरे कुछ नहीं करना, चेक करना है एपी में है या नहीं है। क्या करते हैं उसके लिए, इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं। शाबाश, चेक करो क्या A2 माइनस A1 चेक करो, तो A2 माइनस A1 चेक करेंगे तो क्या बनेगा 10,000। इसको सॉल्व मत करो, कुछ चीज कॉमन आ जाएगी और आराम से हो जाएगा, बार बार सॉल्व करने मत बैठो। तो 1+8/100 इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि हमने देख लिया कि भाई माइनस करेंगे कुछ कॉमन आएगा और आसान से माइनस हो जाएगा। माइनस 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर में 1, ये होगा पहला। इसमें क्या करो, क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन पूरा का पूरा एक क्वांटिटी कॉमन आ सकती है क्या, कि 10,000 इंटू 1+8/100 ये अगर हमने कॉमन ले लिया एक, तो ये बन जाएगा 10,000 इंटू 1+8/100 माइनस 1, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये क्या मैंने सही लिखा है, देखो इस पूरी क्वांटिटी को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। मैंने एक बार निकाल लिया तो एक बचेगा माइनस, ये तो पूरा बार चला ही गया, माइनस वन बचा। चलो मान लो हम निकाल रहे हैं A3 - A2, तो A3 - A2 निकालने की कोशिश करते हैं। A3 - A2 जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपना A3 क्या है 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर में 3 माइनस 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर में 2। अब क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बाहर, कि 10,000 तो कॉमन आएगा ही, इंटू 1+8/100 की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, और अंदर वही बचेगा क्या, कि 10,000 इंटू, नहीं 10,000 नहीं बचेगा अंदर भाई, 10,000 की पावर में 2 कोई है, यहाँ पे 10,000 तो नहीं रहेगा। देखो ये बनेगा 1+8/100 की पावर में 1 इंटू माइनस 1, और यहाँ पे भी ये बनेगा 1+ भाई 1+8/100 की पावर में है ना, 10,000 तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, 10,000 तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, इसमें है पावर 3 और इसमें है पावर 2, तो हमने क्या करा, इसमें से भी इसकी पावर 2 बाहर ले ली, 10,000 बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा 1+8/100 - 1। तो अब बताओ क्या पहली और दूसरी जो कॉमन डिफरेंस आया ये सेम है, देखो सेम है, नहीं है सेम, क्यों, देखो पहला कॉमन डिफरेंस ये वाला है और दूसरा कॉमन डिफरेंस ये वाला है, क्या दोनों सेम है, 10,000 सेम है, 1+8/100 की पावर में यहाँ 1 है, यहाँ पे 1+8/100 की पावर में 2 है, ये वाली क्वांटिटी ठीक है बिल्कुल सेम है, पर यहाँ पे तो 2 और 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। अब कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो हम कहते हैं देयरफॉर नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। क्लियर हुई मेरी बात, क्लियर हुई मेरी बात, हमने कुछ नहीं करा, जैसा जैसा इसने बोला था वैसा वैसा मैंने लिखा, फिर उसके बाद तो जैसे ही मेरे को एक लिस्ट ऑफ नंबर मिल गए, तो लिस्ट ऑफ नंबर मिल गए तो मैंने वही चीज करी जो मैंने अभी पीछे इन सवालों में करी थी, इन वाले सवालों में जो मैंने A2 - A1, A3 - A2 करा था वही मैंने करा। पर उससे पहले मैंने क्या करा, उससे पहले मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन में जो जो चीजें लिखी थी उसको बता दिया कि भाई ये लिस्ट ऑफ नंबर बनेंगे। अब इन लिस्ट ऑफ नंबर आपको अगर मिल गए तो आप तो चेक कर ही दोगे एपी होगा या नहीं होगा, कैसे चेक कर दोगे, A2 - A1 करोगे, अगला माइनस पिछला करोगे, अगला माइनस पिछला करोगे, सेम है तो एपी है, सेम नहीं है तो एपी नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े, बढ़िया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एपी क्या होती है, एपी की डेफिनेशन क्या होती है। सब दोनों आप भी आंख बंद करो, मैं भी आंख बंद करता हूं और एक बार रिवाइज करते हैं कि एपी की डेफिनेशन क्या होती है। एपी की डेफिनेशन होती है, ध्यान से सुनना, कान खोल के, आंखें बंद कर लो, कान खोल लो, एपी की डेफिनेशन होती है लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग वन। एक बार और बोलू, ध्यान से सुनना, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता ही है जिसमें कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, हर एक टर्म हमें कैसे मिलेगी, पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर एड करके। तो ये एपी की डेफिनेशन होती है, आंख खोल लो, ये एपी की डेफिनेशन होती है, क्लियर है। इसमें हमने देखा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, इन लिस्ट ऑफ नंबर्स को एक टर्म्स कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से एन टर्म तक जाती है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमने देखा कि ए पहला अगर टर्म है, दूसरी टर्म होगी ए प्लस डी, तीसरी टर्म होगी ए प्लस टू डी, चौथी टर्म होगी ए प्लस थ्री डी, इस तरह से आगे आगे बढ़ती रहेंगी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगला माइनस पिछला कर दो, बस ये पढ़ा है अभी तक हमने, ठीक है। अगर हमें चेक करना है कि कोई एपी है या नहीं, तो सिंपल सी चीज है, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला करो, अगर सारे सेम आ रहे हैं तो वो एपी है, वरना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स में दिमाग खोल के जो लिखा है बस लिखते रहो, जो भी उसने बोला है लाइन बाय लाइन वो लिखते रहो। इसने जो भी लिखा मेरे सामने, मैंने वो लिख दिया। इसने कहा कि भाई 10,000 रुपए डाले, मैंने कहा बहुत बढ़िया, 10,000 रुपए डाल दिए प्रिंसिपल में। इसने बोला हर साल 8% से बढ़ रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है,
इसमें डाल दिया, तो पहले साल पे इतना इंटरेस्ट इतना अमाउंट हमें मिलेगा, दूसरे साल के एंड में इतना अमाउंट हमें मिलेगा, तीसरे साल के एंड में इतना अमाउंट हमें मिलेगा, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एटी में है या नहीं। थोड़ा सा दिमाग वाला काम करें, थोड़ा सा दिमाग वाला काम करें। आप भी जैसे मान लो आपके पापा एफडी कर रहे हो कहीं पे, है ना, एफडी कर रहे हो कोई, आपके पापा 7% की मान लो एफडी कर रहे हैं, तो मान लो उन्होंने 10,000 रुपए डाले एफडी में, तो एक साल बाद कितने रुपए बचेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल के देखो, क्योंकि काफी बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता, पर ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, क्योंकि आगे जाके जब आप बड़े हो जाओगे, आप खुद अपनी एफडी करोगे, म्यूचुअल फंड में डालोगे, स्टॉक मार्केट में डालोगे, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, तो इसलिए इसको याद कर लो। अब इसका सवाल बताना मेरे को, जो मैंने सवाल पूछा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, कि आपके पापा ने 10,000 रुपए डाले, 10,000 रुपए डालने के बाद एक साल बाद वो पैसे कितने बनेंगे अगर एफडी का इंटरेस्ट रेट 7% है, तो जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में। आगे बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी की। nth टर्म ऑफ एपी पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, क्या कि भाई एक होती है पहली टर्म A1, दूसरी होती है टर्म A2, तीसरी टर्म होती है A3, चौथी टर्म होती है A4, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो जो nth टर्म होगी वो होगी An। अब हमें ये nth टर्म जो होती है इसका एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम देखेंगे कि कुछ रिलेशन से बन रहे हैं, कैसे, जो पहली टर्म है अगर उसे हम A कहते हैं तो दूसरी टर्म हम उसे A+D कहते हैं, तीसरी टर्म को हम A+2D कह देते हैं, चौथी टर्म को हम A+3D कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A+2-1 × D, भाई 2-1 तो 1 ही होगा, तो A+D बनेगा। बस मैंने क्या करा, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको इस तरह से लिखा। अभी आप समझोगे क्यों लिखा, कि भाई A+D को मैं लिख दिया A+2-1D, A+2D को क्या मैं लिख सकता हूं A+3-1 × D, तो A3 जो होगा वो A+3-1 × D होगा, 3 में 3 होगा, 4 में क्या होगा A+4-1 × D। अच्छा मैं आपसे पूछूं A5 क्या होगा, ये मत बताओ, सीधा ये वाला बताओ क्या होगा, A+5-1 × D, भाई 3 में 3 आ रहा है, 4 में 4 आ रहा है, 5 में 5 आ रहा है, मान लो A6 आपसे पूछूं तो A+6-1 × D, आपसे मैं पूछ लूं A20 क्या होगा, तो A20 भी आप बता दोगे A+20-1 × D, मैं आपसे पूछूं A50 क्या होगा, तो A50 होगा A+50-1 × D, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं An क्या होगा, तो होगा A+N-1 × D। यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था, समझ गए, कुछ नहीं है भाई, सिंपल हमें रिलेशन से समझ में आ रहा है। हमने कंपेयर करा कि भाई A1 तो A है, A2 में 2-1 है, 3 में 3-1 है, 4 में 4-1 है, 5 में 5-1 है, तो N में N-1 होगा। सिंपल ना, समझ में आ गया। अरे तो यही फॉर्मूला है हमारा, क्या कि An जो होगा nth टर्म ऑफ एन AP, कोई भी हमें टर्म निकालनी है AP की, तो वो होगी पहली टर्म प्लस N-1 × D। मान लो आपसे पूछ लिया कि 23rd टर्म निकालो, तो 23rd टर्म के लिए A23 जो होगा वो होगा A+N, क्या है N, वही है जो यहां पे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है, तो A+23-1 × D, तो आप A23 निकाल लोगे। तो आपसे अगर कोई AP में कोई भी दुनिया जहां की टर्म पूछ ले, 1,000 भी 10,000 भी 1,000,000 भी, कोई भी पूछ ले, आप इस फॉर्मूले में डालोगे, आप आंसर निकाल लोगे। आपको क्या क्या चाहिए, बस आपको A चाहिए और आपको D चाहिए। आपको A और D अगर पता है तो आप AP की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। इसलिए ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। आपको बस A चाहिए और आपको D चाहिए। यहाँ पे ये A है, ये 9 नहीं है, ये A है, बच्चों को ये 9 लग जाता है कई बार, ये A है, A+N-1 × D, क्लियर है। इसको एक बार लिखो, मैं थोड़ा सा पानी भी कहता हूँ, मेरा गला थोड़ा सा हो जाता है, आप समझ गए होगे, है ना। चलो जल्दी से लिखो, मैं आता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी पॉज करके आगे बढ़ते हैं, फिर 2 सेकंड में। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े, सवाल करें बहुत प्यारा सा। चलो जी, फाइंड द 10th 20th 100th टर्म ऑफ एन AP। हाँ, आप कहोगे बढ़िया बड़ी बात, AP क्या दे रखे, बताओ मेरे को, बताओ बताओ जल्दी, 2, 7, 12 and so on। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, A10 निकालनी है, तो A10 क्या होगी, A+10-1 × D। A क्या है इसमें, इस AP में A क्या है, पहली टर्म क्या है, 2 है। इस AP में D क्या है, D मतलब कॉमन डिफरेंस, अगला माइनस पिछला कर दो, कोई सा भी, 7-2 कर दिया तो मिलेगा हमें 5। तो A क्या है, A है 2+10-1 हो गया 9, × D क्या है 5, तो ये हो गया 2+9, 5 = 45, 45+2 = 47, तो ये हो गई A10, शाबाश।
अब मान लो आपसे पूछ लिया कि आपको 20th टर्म निकालनी है, A20 निकाल लिया, तो A20 क्या होगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू जी, तो A प्लस A क्या है 2 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू डी इज 5, तो 2 प्लस 19 5 जा, बताओ कौन है जिसको टेबल्स याद हैं, है कोई नहीं याद, अरे यार नहीं याद तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 5 जा 45, 5 यहां पे आ गया कॉमन, 5 अंदर 5 और 4 9, तो 2 प्लस 95 हो गया 97। अभी मैंने थोड़ी सी इंग्लिश एक्सेंट से निकाली ना, से कि ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू जी, मैंने देखा यार पता नहीं मैथ्स के जो मास्टर होते हैं हमारे स्कूल में है ना, और मैंने ऑनलाइन में भी काफी मास्टर देखे हैं, तो वो थोड़ी सी इंग्लिश एक्सेंट ऐसे निकाल, पता नहीं क्यों निकालते हैं, मतलब हमारी क्लास के टीचर तो ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू जी एंड द आंसर इज, पता नहीं क्यों इंग्लिश ज्यादा, अरे भाई मातृभाषा अपनी हिंदी उस पर याद करो, उस पर प्यार करो, उसे बोलो, तो ए 100 क्या होगा, ए 100 होगा ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ए क्या है, ए है अपना 2 प्लस 100 माइनस 1 इज 99 इंटू डी क्या है 5, चलो भैया 99 इंटू 5 करो, कौन करेगा 99 इंटू 5 मैं कर दूंगा, 9 5 इज 45 ऊपर 4 कैरी, 9 5 इज 45 और 4, 45 और 4 इज 495, तो ये बन जाएगा 495, तो 495 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे, यहां से हट जाओ, हां 495 में 2 497, तो ए 10 निकाल दी, ए 20 निकाल दी, ए 100 निकाल दिया। अगर आपसे बोल देंगे ना कि ए 1000 निकालो, तो आप वो भी निकाल दोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, हमें एक एपी दे रखी है, इस एपी की कौन सी टर्म माइनस 81 होगी। अब हमसे ये नहीं बोल रहा है कि ये वाली टर्म निकालो, ये कह रहा है कौन सी वाली टर्म ये होगी, समझ रहे हो भाई, ये जो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये a प्लस n माइनस 1 इनटू d वाला जो फार्मूला है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है, बहुत जगह ये यूज हो रहा होता है, अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं, तो एक सवाल तो मैंने आपको पहला वाला बताया जो बिल्कुल स्ट्रेट सवाल होता है कि भाई आपको 10 20 100 निकाल लिया। अब जो एक और तरह का सवाल बनता है वो बनता है कि ये बताओ माइनस 81 इस एपी में कौन सी टर्म पे आता है, ये बताओ। तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि माइनस 81 इज एट nth टर्म, कोई nth टर्म पे आता होगा, वो n निकाल लेते हैं, क्या कि मान लो an जो है वो माइनस 81 है, यही तो लिखा मैंने कि भाई nth टर्म पे 81 आ रहा है, तो an जो होगा वो माइनस 81 होगा, an का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस 81 होगा। a आप बता सकते हो इस एपी में क्या होगा, a की वैल्यू होगी 21, d आप बता सकते हो इस एपी में क्या होगा, 18 माइनस 21 इज माइनस 3, तो a क्या है यहां पे, a लिख देंगे हम 21 प्लस n माइनस 1, n ही तो हमें निकालना है, d क्या है माइनस 3 इक्वल टू माइनस 81, तो 21 उधर चला जाएगा, तो ये जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 81 माइनस 21, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू बन जाएगा ये 2 और 102, कुछ इस तरह से बन रहा है, 81 में 21 ऐड करेंगे तो 8 2 10 बिल्कुल 102 बन जाएगा, ये माइनस से माइनस गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 102 बटे 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो n माइनस 1 इक्वल टू 34 हो गया, तो n इक्वल टू 35 हो गया, मतलब कि 35वीं टर्म जो होगी वो क्या होगी, माइनस 81 होगी। तो पहले हमने जो क्वेश्चन करा उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने कहा कि भाई 10th 100 20th ये टर्म निकालो, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा, इसमें बोला कि बताओ कौन से टर्म में माइनस 81 आता है, तो हमने कहा बताओ क्यों, हम मान लेते हैं nth टर्म में आता है, ज्यादा होशियार बनते हो, हम मान लेते हैं nth टर्म में आता है माइनस 81, तो nth टर्म में अगर माइनस 81 आ रहा है तो an जो होगा वो माइनस 81 होगा, भाई nth टर्म माइनस 81 है, तो माइनस 81 जो है nth टर्म है, तो an का फॉर्मूला लगा दिया हमने, n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू आ गई 35, तो मतलब कि 35वीं टर्म जो होगी वो माइनस 81 होगी। हमसे पूछ रहे अभी ये कि क्या कोई टर्म जीरो भी होगी, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया थी कोई बात नहीं, मान लो लेट अस अज्यूम mth टर्म इज जीरो, भाई n तो हमने यूज कर लिया, तो अब mth मान लेते हैं, n m a b c d f g h i j k l कुछ भी यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, हमने मान लिया mth टर्म जो है वो जीरो है, तो हम ये कह देंगे कि am जो है यही तो हमने जीरो माना है, am क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इनटू d, भाई फॉर्मूले में n की जगह बस m रखा है तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो a की जगह क्या लिख देंगे 21 लिख देंगे प्लस m माइनस 1 इनटू d के माइनस 3 लिख देंगे इक्वल टू जीरो लिख देंगे, m माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 21 हो जाएगा, 21 उधर गया तो माइनस से माइनस गया, 3 7 जा 21, तो m माइनस 1 इक्वल टू 7 आ गया, तो m इक्वल टू आ गया 8, मतलब कि
एट्थ टर्म जो है, एट्थ टर्म जो है इस एपी की वो क्या है, जीरो है। एट्थ टर्म क्या है, जीरो है। आसान था ना, कुछ नहीं था, बस जो भी टर्म हमें पता करनी है कि कौन सी है उसको मान लो nth टर्म है, और ये फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, पॉज करके जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं। फिर आसान आसान सवाल है यार, हलवे सवाल है बिल्कुल, मतलब ऐसे सवाल की देखते ही हो जाए, ऐसे सवाल है। अगला देखते हैं, ये पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस दिस। ये हमें कुछ सीक्वेंस दे रखी है, हमें बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं, क्योंकि अगर एपी नहीं हुई तो हम ये फॉर्मूले कैसे यूज कर लेंगे भाई। फॉर्मूले ये an equal to a plus n minus 1t, ये जो फॉर्मूला है तो एपी के लिए ही है ना। अब यहाँ पे लिखा तो नहीं है कि it is an AP, पिछले में हमें लिखा होता है यहाँ पे कि this which term of AP, mention कर रखा है कि ये AP है, अभी यहाँ पे mention नहीं कर रहा कि AP है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि AP है या नहीं, क्या करेंगे, इसको a1 मान लेंगे, इसे a2 मान लेंगे, इसे a3 मान लेंगे, इसे a4 मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, चेक करना है एपी है या नहीं। तो ए टू माइनस ए वन निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन का 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो गया, बहुत बढ़िया। ए थ्री माइनस ए टू करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी चेक कर लो, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 क्या हो गया, 3 हो गया, बहुत बढ़िया। ए फोर माइनस ए थ्री क्या होगा, ए फोर माइनस ए थ्री 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 भी 3 हो गया, तो बहुत बढ़िया, शाबाश। हम ये कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो बहुत बढ़िया, एपी है तो मतलब एपी वाले सारे फॉर्मूले लग सकते हैं। तो हमने एपी इसलिए चेक करा जिससे कि हम एपी वाले फॉर्मूले लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, अगर एपी नहीं हुआ तो कैसे यूज करेंगे एपी के फॉर्मूले। तो हमने सबसे पहले वेरीफाई करा कि इट इज एन एपी और नॉट, तो हमने वेरीफाई कर लिया इट्स एन एपी। अब हम करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो ये एपी हमारी बन चुकी है, क्या एपी बन चुकी है, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 111। हमें आखिरी टर्म दे रखी है 111, आखिरी टर्म दे रखी है, मतलब कि अगर हम इसे nth टर्म मान लें, अगर हम इसे nth टर्म मान लें तो जो भी n की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें। समझे नहीं समझे, अरे मेरी जान एक बात समझो, इसमें मान लो n टर्म्स थी, हमें वही तो निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, तो मैंने मान लिया n टर्म्स है, तो n टर्म्स अगर है तो nth टर्म क्या होगी, 111 होगी। क्या बोला मैंने, लेट अस अज्यूम कि देयर आर n टर्म्स इन द सीक्वेंस, कितनी टर्म्स है, n टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में या फिर एपी में, अब तो हमने प्रूव कर दिया एपी है, तो देयर आर n टर्म्स इन दिस एपी, हमने मान लिया। तो हम ये बोल देंगे कि an जो होगा वो 111 होगा, क्यों, क्योंकि nth टर्म जो होगी वो 111 होगी, हमें दे रखी है। an क्या होता है, a plus n minus 1d, इसका फॉर्मूला यही होता है, तो ये इक्वल टू 111 है। a की वैल्यू क्या है इस एपी में, a की वैल्यू है 3 plus n minus 1 into d की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली ना, into 3 equal to 111, तो n minus 1 into 3 जो होगा, n minus 1 into 3 जो होगा वो होगा 111 में से 3 गए, 111 में से 3 गए तो बने 108, ठीक है, तो n minus 1 equal to 108 बटे 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 18, नहीं 3 6 जा 18, तो n equal to हो गया 36 plus 1 37, तो हमें बोल सकते हैं there are 37 terms, क्या बोल सकते हैं, there are 37 terms in this sequence, ये जो sequence है इसमें 37 terms होंगी, ठीक है, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था भाई, हमने मान लिया n terms है और nth term हमें दे रखी है, nth term जो है 111 दे रखी है, 111 पे nth term का formula लगा दिया, n की value निकाल दी, वो इसका answer होगा। तो बहुत आसान था, कुछ ऐसा भारी चीज नहीं थी। अगले question में बढ़ते हैं, पॉज करके एक बार लिख लो, है ना, बढ़े आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन एन एपी जिसकी थर्ड टर्म और सेवन टर्म दे रखी है, हमें थर्ड टर्म और सेवन टर्म ऑफ एन एपी दे रखी है, हमें बताने कि वो एपी कौन सी होगी। तो देखो थर्ड टर्म हमें दे रखी है, हमें ए थ्री दे रखा है 5 और हमें ए सेवन दे रखा है 9, ए थ्री मतलब ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 5, तो मतलब ए प्लस 2d जो है ये हमें 5 दे रखा है, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ए सेवन मतलब ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी जो है ये हमें दे रखा है 9, तो ए प्लस 6d जो है ये हमें दे रखा है 9, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो हमें दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है भाई, ए और डी निकाल दे, अगर हमें कोई एपी निकालना है तो हमें पहली टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो ए और डी इसमें क्या है वेरिएबल्स हैं, अगर ये ए और डी निकल जाए तो हम पूरी एपी बना देंगे भाई। हमने एपी बनाई है पहले भी भाई, हमने जो सबसे पहले वाले सवाल थे जो हम कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमें ए और डी पता चल जाए, ए और डी पता चल जाए तो हम पूरी एपी खड़ी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और डी निकाल लेते हैं हम, कुछ नहीं करना,
दो इक्वेशन दे रखे हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और डी निकल जाएगा। कहां गया वो क्वेश्चन? तो भाई मान लो ए की वैल्यू यहां से उठा के उसमें पुट कर देते हैं, क्या ए इक्वल टू यहां पे आ गया 5 माइनस 2d, इसको उठा के यहां पुट कर दें तो 5 माइनस 2d प्लस 6d इक्वल टू 9 है। भाई ए की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी आप कहते हो वो यूज कर लो, तो 5 माइनस 2d प्लस 6d तो 5 प्लस 4d इक्वल टू 9, तो 4d इक्वल टू 9 माइनस 5 तो 4d इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू 4 से 4 गया 0 1 1, भाई 4 1 जा 4 होता है ना, तो d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू आ गया हमारा 1। अब d अगर हमारा 1 आ गया, d अगर हमारा 1 आ गया, ये क्या बन गया जी, हां d अगर हमारा 1 आ गया तो अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो a इक्वल टू बन जाएगा 5 माइनस 2 इनटू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इज 3, शाबाश, तो a की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो a की वैल्यू 3 आ गई, d की वैल्यू 1 आ गई। क्या बोला मैंने कि हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 3 पर कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें 1, तो अगर हम AP बनाना चाहें तो हम बना देंगे 3, 3 में 1 ऐड करा 4, 4 में 1 ऐड करा 5, 5 में 1 ऐड करा 6 एंड सो ऑन 2। चलते जा जितना भी आप आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ाते रहो, 1000 10000 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जितने भी आपके मन में हाईएस्ट फिगर है बनाते जाओ, AP बन गई। आसान था, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनी है ना, हमने पढ़ी है ये कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, कि भाई एक में से उठा के उसमें वैल्यू पुट कर दिया, जब ये निकल गया तो उसको वापस इसमें पुट कर दिया इस इक्वेशन में, आंसर आ गया। आगे बढ़े, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज दिस, चेक वेदर दिस सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। जब भी हमें कोई सीक्वेंस को चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, तो हमारे दिमाग में क्या घंटी बजती है कि अगला माइनस पिछला कॉमन डिफरेंस चेक करो, कॉमन डिफरेंस चेक करो, तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें दे रखा है कि ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें 2n² + 1, हमें चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं, तो एपी है या नहीं हम क्या करेंगे, हम तीन चार टर्म निकाल लेते हैं, भाई ए एन की जगह ए एन में एन की जगह 1 रख दूं अगर मैं, तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगी 2 × 1² + 1, तो ये जाएगा 2 + 1 = 3। ए टू अगर मेरे को निकालना हो तो एक एन की जगह 2 रख दिया, तो एन की जगह 2 रख दिया तो 2² + 1, 4 × 8 + 1 = 9। ए थ्री अगर मेरे को निकालना है तो 2 × 3² + 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 × 2 = 18, 18 + 1 = 20। तो इस तरह से ये पूरी सीक्वेंस चलती रहेगी, पहले हम क्या कर लेंगे चेक कर लेते हैं कि एपी है या नहीं, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ए टू माइनस ए वन चेक करेंगे, ए टू माइनस ए वन 9 − 3 = 9 − 3, 9 − 3 होता है 6। अब हम क्या चेक करेंगे ए थ्री माइनस ए टू चेक करेंगे, तो ए थ्री माइनस ए टू 20 − 9, 20 − 9 तो होता है 11, हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट एन एपी, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो ये एपी नहीं होगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चे देख के सवाल डर जाते हैं यार कैसे चेक करूं भैया एपी है या नहीं, ये तो भैया कुछ एन में दे दिया, एन में तो एपी चेक, अरे मेरी जान तेरे को सबसे बेसिक चीज क्या पढ़ाई थी, बिल्कुल बेसिक समझो, बेसिक अगर आपको पता चल गया ना, आप आरडी का सवाल उठा लेना, आरएस का सवाल उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लेना, कोई भी सैंपल पेपर उठा लेना, कितना ही बड़ा सवाल उठा लेना, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, आप वही बेसिक उठाओगे, आपके दिमाग में बस बेसिक बैठा रहना चाहिए। बेसिक क्या था, बेसिक ये था कि हमें अगर जब भी एपी चेक करना है तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो अगला माइनस पिछला करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई ए एन दे रखा है, पहली दूसरी तीसरी कुछ तीन चार टर्म्स निकाल लेते हैं, अगला माइनस पिछला देख के चेक कर लेंगे, तो मैंने तीन टर्म्स निकाली, अगला माइनस पिछला करा, मेरे को बराबर नहीं दिखे दोनों, तो मैंने कहा ये भी नहीं है, तो बेसिक जो था उसी से यूज करा, चाहे बड़ा ही कितना सवाल बन जाए। अब यहाँ पे हमें ए एन की जगह, ये तो और आसान था, मान लो ये हमें कह दे ए एन इक्वल टू एन क्यूब माइनस 6n² + 8n + 4, ये है मान लो सीक्वेंस की nth, अब हमें बताने की एपी है या नहीं, तो क्या वो कुछ भारी चीज हो गई, नहीं हुई, क्या करेंगे हम, ए वन निकालेंगे, ए टू निकालेंगे, ए थ्री निकालेंगे, एन की जगह 1 पुट करेंगे ए वन निकल जाएगा, एन की जगह 2 पुट करेंगे ए टू निकल जाएगा, एन की जगह 3 पुट करेंगे ए थ्री निकल जाएगा, जैसे तीनों निकल गए हम ये चेक कर लेंगे, अगर सारे कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहे हैं तो एपी है, नहीं आ रहे तो एपी नहीं है, सिंपल खत्म। तो कितना ही बड़ा दे दे डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अरे आगे बढ़ जा। हाँ जी, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिस या नहीं, हमें चेक करना है कि क्या लिस्ट ऑफ नंबर जो हमें दे रखी है क्या इसमें 301 आता है या नहीं आता, हमें चेक करना है।
सबसे पहला काम हर एक बच्चे के दिमाग में बैठना चाहिए ये बात कि इसमें बोल रखा है कि एपी नहीं है, अभी तक हमें क्लियर नहीं करा एपी है या नहीं, तो अभी हम चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। चेक कैसे करेंगे, से A1 मानेंगे, से A2 मानेंगे, से A3 मानेंगे, से A4 मानेंगे। चेक करने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो 11 माइनस 5 करेंगे, 11 माइनस 5 करेंगे 6 बनेगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो बन जाएगा 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 भी 6 बनेगा। A4 माइनस A3 करेंगे तो ये बन जाएगा 23 माइनस 17, 23 माइनस 17 भी बन जाएगा 6। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों कॉमन डिफरेंस बराबर है, देयरफॉर इट इज एन एपी। जैसे ही हमें ये प्रूव हो गया कि ये एपी है, अब हम एपी के सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो इसलिए जब आपको नहीं दिया गया है कि लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं, तो आपका सबसे पहला काम है कि आप चेक करोगे कि एपी है या नहीं। कैसे चेक करोगे? अब तो यार रट गए बच्चा रट गए। चेक करने का तरीका अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला करो, तीनों सेम आ रहा तो इट इज एन एपी। अब ये एपी है, अब हमें चेक करना है कि इस एपी में, ये जो एपी हमें दे रखा है, क्या एपी दे रखा है हमें, हमें एपी दे रखा है 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है क्या इसमें कहीं पे 301 आता है। तो मान लेते हैं भाई, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी, nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 301। मान लेते हैं भाई 301 होगा, nth टर्म होगी कोई एपी की 301। तो an जो है वो हमने माना है 301, तो a प्लस n माइनस 1 डी जो है ये हो जाएगा 301। मैंने an को a प्लस n माइनस 1 डी जब लिखा, जब मैंने प्रूफ कर दिया कि ये एपी है। अगर मैं ये प्रूफ नहीं करूंगा कि ये एपी नहीं है, तो इस सवाल में हमारे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि टीचर बोलेगा कि आपको सवाल में तो नहीं दे रखा था, सवाल में तो सिर्फ बोल रखा लिस्ट ऑफ नंबर्स है, कि लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं आपने वेरीफाई करा। तो जब आपने वेरीफाई कर लिया तो दिमाग में रखो जब भी आप सवाल पढ़ो। इसलिए कहता हूं सवाल को दिमाग खोल के पढ़ना चाहिए कि हमें दे रखा है एपी है या नहीं। अगर क्लियर कर रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, पर अगर नहीं क्लियर कर रखा तो पहले वेरीफाई करेंगे कि एपी है या नहीं है। अगर एपी नहीं हुआ तो आपको अभी कोई फॉर्मूला नहीं पता इसमें आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है? फिर आप बेसिक कर करके कि कोई जुगाड़ लगा रखा कि आप 301 देखोगे है या नहीं, पर ऐसा सवाल आता नहीं है। पर हाँ, आपको वेरीफाई जरूर करना है कि एपी है या नहीं। जैसे ही आपने वेरीफाई कर लिया एपी है या नहीं, अब आप ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 301 वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ए की वैल्यू है 5, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, 11 में से 5 गए कितने आ रहे हैं, 6 आ रहा था डी की वैल्यू, इक्वल टू 301। तो एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू आ गया 301 में से 5 गए। तो एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू हो गया 301 में से 5 गए अगर हमारे, तो ये बन जाएगा 296। तो एन माइनस 1 इक्वल टू बन जाएगा 296 बटे 6। 3 2 जा 6 या 2 से काटते हैं इसे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो एन माइनस 1 बन जाएगा हमारा 148 बटे 3। अभी तो ये और नहीं कट रहा है, तो n की वैल्यू बन जाएगी हमारी 148 बटे 3 प्लस 1, एक ये जो है इसको इधर लेकर तो प्लस 1 बन गया। तो ये बन जाएगा n की वैल्यू बन जाएगी 148 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 151 बटे 3। तो ये वाली जो टर्म होगी वो होगी 301। पर क्या 151/3 ये जो रेशियो में आ रहा है नंबर, क्या ये कोई टर्म होती है 151/3 टर्म, कुछ होगी ऐसी? मैंने सबसे पहले बोला था, सबसे पहले मैंने लेक्चर में बोला था जब मैं यहाँ पे ए एन बता रहा था, यहाँ पे जब मैं बता रहा था एन टर्म्स, तो ए एन में एन इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे हमारा एन नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो हम ये रिजेक्ट कर देंगे कि 301 कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी। 301 कोई भी ऐसी टर्म 301 नहीं है इस एपी में, 301 नाम की कोई टर्म नहीं है, 301 कोई भी टर्म नहीं है इस एपी में, क्योंकि एन जो है एन इज नॉट इक्वल टू एक नेचुरल नंबर, एन एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। अगर एन एक नेचुरल नंबर आता तो हम कह देते वो वाली टर्म 301 है, पर एन अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे नो नन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस इज 301, कोई भी टर्म इस सीक्वेंस की 301 नहीं है, ये हमारा इसका आंसर होगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं जी। चलो, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, वो लिख लिया था आपने, एक बार लिख लो, मैं इसको पॉज करके साइड में आता हूं, इसको लिख लो जल्दी से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये हमें बताना है। टू डिजिट नंबर्स, देखो ध्यान से सुनो, सवाल क्या है ध्यान से सुनना, ऐसे बहुत सवाल है आपके एक्सरसाइज में तो आपको ध्यान से सुन लेना है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, टू डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? टू डिजिट नंबर 10 से शुरू हो जाते हैं और कहां तक जाते हैं? 99 तक जाते हैं, फिर 100 आता है वो तो 3 डिजिट है, और 10 से पहले 9 होता है वो 1 डिजिट है। तो 10 से लेके 99 तक जो है ये टू डिजिट नंबर है।
इसने बोला कितने 28 नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, क्या 10 डिविजिबल बाय 3 है? नहीं, वही 3 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में क्या आता है? पहला 28 नंबर जो 3 की टेबल में आता होता है 12, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो पहला जो 28 नंबर आता होता है 12, 12 के बाद क्या आता है 15, 15 के बाद क्या आता है 18। तो ये है शुरू के तीन तीन डिजिट, दो डिजिट नंबर जो कि तीन से डिविजिबल है, और आखिरी जो है वो 99 में 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, 3 3 9 कट जाएगा। अब हमें बताना है कि ये कितने नंबर है, क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है, क्या ये एक एपी है? अगर मान लो इसे A1 बोलते हो, इसे A2 बोलते हो, इसे A3 बोल दो, तो A2 माइनस A1 जो होगा वो बनेगा 15 माइनस 12, ये होगा 3, जो A3 माइनस A2 है ये होगा 18 माइनस 15, ये भी होगा 3, तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। अगर ये एक एपी है तो अब ये सवाल देखो कैसा बन गया, ये सवाल अब वो सवाल रहा ही नहीं जो लिखा हुआ था ऊपर। सवाल ये लिखा था शुरू में कि कितने टू डिजिट नंबर जो है डिविजिबल बाय 3 है, तो हमने देखा 12, 15, 18 से लेके 99 के बीच में जितने भी 3 से डिविजिबल नंबर है वो आएंगे। हमने देखा ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी बन गए। अब सवाल ये बन चुका है कि ये जो एपी है, ये जो एपी यहां पे हमारी बन चुकी है, इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये सवाल अभी कन्वर्ट हो चुका है, समझे 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 भाई, पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 15, तीसरा नंबर 18, इस तरह से करते करते 99 होगा आखिरी नंबर, और ये एक एपी में जा रहा है, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब कि इसमें ये जो पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसमें एन की वैल्यू क्या है, मतलब कितने नंबर्स है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें लेट अस अज्यूम, क्या लेट अस अज्यूम देयर आर एन टर्म्स, हमने मान लिया एन टर्म्स है। अभी बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया जैसा हमने यहां पे करा था, देखो ये वाला सवाल करा था ना हमने कि हमने अज्यूम कर लिया था कि एन टर्म्स है, लेट देयर आर एन टर्म्स, हमसे पूछा था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, तो इसमें हमने चेक करा एपी है, एपी चेक करते हैं, हमने मान लिया कि एन टर्म्स हैं इस एपी में, तो एन टर्म्स अगर एपी हैं तो आखिरी वाली टर्म हमें पता है, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, ऐसे ही हम इस वाले क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। देखो तो हम मान लिया कि देयर आर एन टर्म्स इन दिस एपी, तो हमने मान लिया एन टर्म्स इन एपी, तो ए एन क्या है, ए एन हमें पता है 99 है भाई, एनथ टर्म हमें पता है, मान लो एन टर्म्स है ये पूरी यहां से लेके यहां तक एन टर्म्स है, तो जो nth टर्म है वो हमें पता है 99 है, आखिरी टर्म हमें पता है 99 है, तो an जो होगा वो होगा a plus n minus 1 into d, a की वैल्यू क्या है 12 plus n minus 1 into d की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे 3 equal to 99, n ही फाइंड करना है हमें, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n minus 1 into 3 is equal to 99 minus 12, 99 में से अगर 12 गए तो हमारा बचेगा 89, 89 में से 2 गए, 89 में से 2 गए तो बचे 87, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 3 यहां चल रहा है, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 87 बटे 3, तो ये कट के अगर बन जाएगा 3 2 जा 6 7 8 3 9 जा 27 29, तो n की वैल्यू हो जाएगी 29 प्लस 1 भाई, ये माइनस 1 इधर उठ के आ जाएगा 29 प्लस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 30, तो देयर आर टोटल 30 नंबर्स, 32 डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 होंगे। दुनिया में देयर आर 32 डिजिट नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 3 होंगे, ये आपने फाइंड कर लिया, ये है एपी की पावर। समझ गए हमने क्या करा, सिंपल हमने देखा पहली दूसरी तीसरी ये होंगी, आखिरी हमें पता 99 होंगी, ये भी डिविजिबल बाय 3 है, अगर ये नहीं होती तो इससे पिछली निकाल लेते मतलब आखिरी हम निकाल लेते, तो हमें अब आखिरी पता चल गई, तो आखिरी टर्म अगर हमें पता है उसे हमने nth टर्म मान लिया तो हमें n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू आ गई 30, ठीक है, इसको आप नोट कर लो जल्दी से। तो देयर आर 32 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की जो कि है थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ दिस एपी, मतलब पहले हम क्या करते थे, हम इधर से 11th टर्म निकालते थे, अब हमें क्या कह रहा है कि पीछे से 11th टर्म निकालो, इधर से 11th टर्म कौन सी होगी वो निकालो, कैसे करेंगे, खुफिया जुगाड़ी दिमाग ये कहता है कि एपी को उल्टी कर दो, क्या कि एपी को मान लो लेट दिस एपी इज दिस, भाई उल्टी कर दो कि भाई पहली टर्म हमने मान ली माइनस 62, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते भाई इसको ऐसे उठा के ऐसे कर दिया हमने, तो ये 4 7 10, हमने एपी को क्या कर दिया हमने एपी को हमने रोटेट कर दिया, तो लेट एपी इज दिस। अब इस एपी में ये क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस अगर आपसे मैं पूछूं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगला माइनस पिछला,
भाई पूरी एपी में से कोई भी अगला माइनस पिछला कर दो, जरूरी कोई है कुछ ऐसा पहले वाले अगले माइनस पिछला करना है, कोई भी कर दो। तो अगला माइनस पिछला है 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 क्या हो गया अपना 3। तो हमें ए पता है -62, हमें डी पता है 3, हमें क्या पूछना है, हमें क्या बताना है 11th टर्म। तो ए 11 हमें बताना है, ए 11 क्या होगा, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है -62 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू डी इज 3, तो -62 प्लस 30 ये हो जाएगा -32। दैट इज द आंसर, ये है हमारी 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन दिस एपी इज -32। देख रहे हो एपी कितने कितने जल्दी हो जाते सवाल, तो छोटे छोटे से सवाल हैं, कुछ भी नहीं करना हमें भाई। जैसे ही इस सवाल को आप समझोगे आपका दिमाग अपने आप ये कहेगा कि यार इधर से निकाल लिया तो इसको पहली टर्म मान लो, फिर उसके बाद इसको पहली टर्म, इसके पहली वाली दूसरी टर्म, फिर इससे पहली वाली तीसरी टर्म, या फिर इसको ऐसे उल्टा करके देख लो। उल्टा करके देखते ही क्लियर हो गया सवाल, ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया जी नोट, अब हम देखते हैं इस वाले सवाल को। ये कह रहा है कि 5th टर्म ऑफ एपी इज 31। इस तरह के सवाल ना काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स में, तो जिसमें इस तरह से लिखा होता है कि इट इज 140 मोर देन, इस तरह से काफी आते हैं, तो ध्यान से देख लेना, कुछ बड़ा चीज नहीं है। पर हाँ, पता नहीं सीबीएसई को कुछ ज्यादा प्यार है इस तरह के सवाल से। पहला बोला है कि 5th टर्म ऑफ एपी इज 31, क्या कि ए 5 इज 31, 25th टर्म इज 140 मोर देन 5th टर्म, मतलब कि ए 25 जो है वो 140 मोर देन ए 5 है, 140 मोर देन 5th टर्म। तो जिस तरह से लिखा है बस उसको हमें मैथ्स में लिखना है, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है, ये है बस इस सवाल में। तो ए 5 इक्वल टू 31 है, तो ए 5 यहां पे रख देते हैं अपन कि ए 25 हो जाएगा 140 प्लस 31, तो 140 प्लस 31 हो जाएगा, ए 25 बन जाएगा, 140 प्लस 31 हो जाएगा आपका 1 4 5 6 7 171। तो ए 5 की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए प्लस 5 माइनस 1 डी, मतलब ए प्लस 4 डी इक्वल टू 31 हमें दे रखा है, शाबाश पहली इक्वेशन। और ए प्लस 24 डी जो है, ए प्लस 25 माइनस 1 डी, ए प्लस 24 डी हमें दे रखा है 171। तो ये बन गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये है हमारी पहली इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, इससे हम ए और डी निकाल लेंगे जैसे हमने अभी पिछले सवाल में निकाला। जैसे ही हमें ए डी निकल गया तो हमें पहली टर्म पता चल गई ए, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया डी, तो क्या आप इन दोनों चीजों से अपनी एपी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, तो निकाल लेना ना, ये दो इक्वेशन में सॉल्व करूंगा क्या, अरे थोड़ा सा काम अपने आप भी कर लो यार, सब काम भैया से करवाओगे, मैं थक जाऊंगा यार, मेहनत करता पूरी रात बैठ के अपने लेक्चर बनाता, फिर उसके बाद अकेले सॉल्व कर लूं, कर लेना चुपचाप से। आगे बढ़ते हैं। सुब्बा राव जो है उन्होंने वर्किंग शुरू करी 1995 में, भाई साहब 1995 में उन्होंने 5,000 रुपए से, भाई 1995 में 5,000 रुपए की वैल्यू पता कितनी होती थी, सुब्बा राव भाई करोड़पति। तो सुब्बा राव जो है उसने एनुअल सैलरी 5,000 रुपए शुरू करा और 200 रुपए हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता था। तो हमसे पूछ रहे कि कौन से साल में वो 7,000 रुपए पहुंच जाएगी, मान लो 1995 में, मतलब कि जो इसका फर्स्ट ईयर था जब इसने काम करना शुरू करा, उस फर्स्ट ईयर में इसकी सैलरी थी 5,000 की। सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी, सेकेंड ईयर में हो जाएगी 5,000 में 200 ऐड कर देंगे तो 5,200। थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी, भाई इसमें हमने 200 ऐड करा तो इतनी मिल गई, इसमें बोला अगले साल में और 200 ऐड कर देना इसमें, तो 200 ऐड कर देंगे 5,400। इस तरह से करते करते हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा साल होगा जिसमें इसकी सैलरी 7,000 होगी, कौन सा ऐसा साल होगा, तो हम मान लेते हैं nth ईयर होगा, भाई फर्स्ट ईयर ही है सेकंड ईयर ही है, तो nth ईयर जो होगा 1995 से nth ईयर जो होगा उसमें उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो हमें बोल दिया कि an जो है वो 7,000 है, भाई ये एपी है क्लियरली, 200-200 सेम कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो होगा ये 7,000 होगा। ए क्या है हमारा 5,000 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है हमारा, कोई हमें निकालना है जी भाई, एन तो निकालना है, हमने मान लिया ना कि एन ईयर में जाके उसकी 7,000 हो जाएगी, तो एन माइनस वन डी क्या है 200 इक्वल टू 7,000, शाबाश। तो 5,000 में से 7,000 गए ये उधर जाएगा, 7,000 में से 5,000 गए तो ये बन जाएगा हमारा 2,000, यहां है हमारा एन माइनस वन इंटू 200, तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 10s are 20, तो n की वैल्यू हो जाएगी 11, भाई प्लस 1 उधर जाएगा, तो n की वैल्यू 11, मतलब कि उसकी जॉब से 11वें साल में जाके जब उसने 1995 में शुरू करी, 1995 अगर फर्स्ट ईयर है
तो इसके बाद 11 साल बाद जाके वो 7000 रुपए साल के कमा रही होगी। ठीक है, ये इसकी अच्छी है, ये साल के 7000 रुपए है, फिर तो थोड़ा कम है। मैंने सोचा महीने के 5000 रुपए कमा रही थी, अरे यार गरीबी रहेगी। मजाक कर रहा है, महीने में 5000 रुपए कमा रही है, तो साल में 5000 रुपए कमा रही है, तो नॉर्मल था उस समय। ठीक है, तो यार डैंक नहीं होना आता, तो ठीक है, तो 1995 अगर पहला साल था, तो 1995 से 11 साल बाद ये 7000 रुपए कमाएगी। तो 1995 से 11 साल बाद मतलब कि 2006 में जाके सुब्बा राव जी साल के 7000 रुपीज कमा रही होंगी। ठीक है, सुब्बा राव जी साल के 7000 रुपए कमा रही होंगी 2006 में जाके। ये हमारा सवाल था, कुछ बड़ी चीज नहीं थी, सिंपल था। पर हमें देखा कि भाई एपी बन रही है, एपी में हमसे पूछ लिया, बिल्कुल देखो या तो हमें डायरेक्ट नंबर्स दे देंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स, या फिर हमें ऐसे वर्ड प्रॉब्लम देंगे, उससे हमें लिस्ट ऑफ नंबर निकालना है, फिर उसके बाद जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। पिछले हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जिसमें हम लास्ट टर्म nth टर्म मान लेते हैं और फिर n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू निकाली, फिर हमने कहा कि भाई इसको पहला साल माना था हमने 1995 को, तो इससे 11 साल बाद मतलब कि 1995 से 11 साल जोड़ दिए, तो 2006 में जाके सुब्बा राव मैडम 7000 रुपए साल का कमा रही होंगी। शाबाश, आगे बढ़े। आगे अब आता है हमारा टॉपिक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये क्या कहता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये कहता है कि भाई तुम्हारा जो एपी बन रहा है इसमें जितनी टर्म्स है आपकी इनका ऐड करके बताओ। तो मान लो एक एपी हमारी लिख रखी है 3, 5, 7, 9, 13, 11, 13, 15, तो हमसे सम पूछा है, मतलब कि हमसे पूछा 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, क्या आप ये निकाल सकते हो? आप कहोगे भैया बड़ी बात, ऐड करना है, बचपन में दूसरी तीसरी क्लास में सीख लिया था, तो निकाल देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मान लो इसमें तो 60 टर्म थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म थी, मान लो ऐसी 20 टर्म है, तो क्या 20 टर्म का भी निकालोगे? आपको भैया बड़ी बात, आप इसमें 100 टर्म डाल दो, हम 100 टर्म का निकाल लेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मान लो इसमें 1000 टर्म डाल दिए, तो 1000 टर्म का भी निकाल दोगे? आप कहोगे भैया 1000, आप 2000 डाल दो, जब भी हम एडिशन करते रहेंगे हमारे पास पूरा टाइम है, टाइम अभी दिन में है ना, एग्जाम में 3 घंटे का, 3 घंटे में आपको 30 सवाल करने होते हैं, तो एक सवाल में अगर आपको बोल दिया 2000 टर्म का सम निकालो, तो पूरे 3 घंटे से भी निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना हमें। तो इसलिए दुनिया वालों ने कहा भैया एपी के अगर आपको सम निकालने हैं, सम ऑफ एन टर्म्स आपको निकालनी है, सम ऑफ 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, कोई भी आपको एन टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए आप एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला यूज कर लेना कि एस एन जो होता है वो होता है एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है जिससे आप सम ऑफ जितनी भी टर्म्स आप चाहते हो शुरू से स्टार्टिंग से, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि भाई पहले से एन टर्म्स जो है, पहले से फर्स्ट एन टर्म्स स्टार्टिंग से शुरुआत से जो एन टर्म्स है, तो हमसे मान लो इसकी शुरू की 60 टर्म्स का हमें सम था निकालना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमें शुरू की 60 टर्म्स का सम निकालना था, तो इक्वल टू 7/2, एन की वैल्यू 7 है, इंटू 2 इंटू ए क्या है 3, प्लस एन माइनस 1 मतलब 7 - 1 इंटू डी क्या है 5 - 3 हो गया 2, तो ये हमें निकाल सकते हैं कैसे, 7/2 इंटू 2a मतलब 3 × 2 = 6 प्लस 6 × 2 = 12, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 18, तो ये बन जाएगा 2 × 9 = 18, 7 × 9 = 63, तो ये जो सम होगा, ये जो सम यहाँ पे हम अपना ऐड कर करके आप निकालते, वो हमने फॉर्मूले से निकाल दिया डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट क्यों? क्योंकि कहीं अगर आपसे बोलते कि 2 छोड़ दो और यहां से निकालो, तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। ये है शुरुआत से एपी की पहली टर्म से जितने भी आपको एन टर्म्स तक का सम निकालना है, आपको शुरू के 4 का निकालना है, पूरे का निकालना है, शुरू के 2 का निकालना है, सब आप यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला क्या है, आंखें बंद करो, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका एक और वर्जन बनाया दुनिया वालों ने, उन्होंने कहा यार ऐसा करो, इसको जो 2a है इसको a प्लस a लिख दो, क्या कि 2a को a प्लस a लिख देंगे तो ये बन जाएगा n बाय 2 इंटू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये थोड़ा सा देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस एन माइनस 1 डी क्या है, ये तो एस एन है, ये तो ए एन है, ए प्लस ए एन हो गया, ए एन की क्या फॉर्मूला होता था, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर आपको पहली, क्या बोला मैंने, अगर आपको फर्स्ट टर्म और nth टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और आपको nth टर्म पता है, तो आप डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले का स्किप करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें इसकी 60 टर्म का सम चाहिए था, तो हम क्या करते, एस सेवन ले लेते, 7/2 इंटू ए, ए क्या है पहली टर्म प्लस सेवन टर्म, सेवन टर्म है 15, तो ये बन जाएगा 7/2 इंटू 3 + 15 हो गया 18, तो 2 × 9 = 18, 7 × 9 = 63, यहां भी 63 आ रहा है, यहां भी 63 आया था।
तो दो फॉर्मूले अभी हमने देखे, यही दो फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं। एक और फॉर्मूला है जो एल से यूज होता है कि भाई लास्ट टर्म आपको दे रखी है तो इसमें ए एन की जगह एल लिख दो, ये याद रखो, उससे कंफ्यूजन काफी होती है बच्चों को। ये दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, क्या सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू एन बाई टू इनटू टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी। अगर आपको पहली और आखिरी टर्म पता है, पहली और एनएफ टर्म आपको पता है, भाई जो भी आपको एनएफ टर्म का सम निकालना है, तो पहली और एनएफ टर्म आपको पता है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और एनएफ टर्म पता है तो आप क्या करोगे, एन बाई टू इनटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, सिंपल, क्लियर है। अभी इसके ऊपर सवाल करेंगे आप समझ जाओगे। एक और चीज जो आपको समझनी है, आपके एनसीईआरटी में नोट की तरह लिख रखा है, जैसे अभी जो ऊपर हमने फॉर्मूला, अभी जो हमने ऊपर एपी ली, वो एपी ली हमने 2 3 2 5, ये लिया ना हमने, नहीं 3 5 3 5 7 9 इस तरह से करके। तो मान लो आपको निकालना है ये 4 है, ये ए 1 है, ये ए 2 है, ये ए 3 है, ये ए 4 है। अगर आपको ए 4 में पूछ लू तो ए 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, यहां तक का सम माइनस यहां तक का सम, कि एस 4 माइनस एस 3 लिख सकता हूँ भाई, यहां तक के सम में से यहां तक का सम निकाल दे तो ये ए 4 निकल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं ए 3 निकालना है तो ए 3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां तक के सम में से पिछले वाले तक का सम हटा देंगे, कि एस 3 माइनस एस 2 कर देंगे। तो ऐसे ही अगर आपको कोई ए एन निकालना है तो आप क्या करोगे, एस एन में से एस एन माइनस 1 तक का सम माइनस कर दोगे। ये भी एक फॉर्मूला है, कम काम आता है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला भी है एक, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक टर्म निकालनी है तो उस टर्म तक का सम माइनस पिछले टर्म तक का सम कर देंगे तो आपकी वो टर्म निकल जाएगी, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है, पर मेन फॉर्मूले जो आपको दो याद रखने हुए, ये एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एम। ये दोनों आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा नीचे कर दूं ऊपर हेडिंग, हाँ तो ये है आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला जो आप लिख सकते हो। नीचे करेंगे तो आपका एक मैंने नोट लिखवाया है जो आपके एनसीईआरटी में नोट करके लिखा हुआ है, तो आप वो नोट करके यहाँ पे से लिख सकते हो नोट। ये एक नोट है कि अगर आपको कोई भी एक टर्म निकालनी है तो वहां तक का सम माइनस पिछले तक का सम कर दो तो वो टर्म आपकी निकल जाएगी, क्लियर है। कोई भारी चीज नहीं पढ़ी हमने, आसानी चीज पढ़ी है। चलो सवाल पे आ जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस, क्या ये एक एपी है, चेक करें। अभी नहीं बोला ना एपी है, तो पहले चेक कर लेते हैं क्या, कि पहले हम कर लेंगे a2 माइनस a1 कर लें, तो a2 माइनस a1 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 हो गया आपका माइनस 5। क्या हम a3 माइनस a2 करके देखें, a3 माइनस a2 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, बहुत बढ़िया, इट इज एन एपी, हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म का, तो s22 जो होगा वो होगा 22 बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है माइनस 5, ये हमें निकालना है भाई। n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, तो n by 2 हो गया आपका 11 into 8 दुनी 16 plus 22 minus 1 is 21 into minus 5, तो ये हो गया 11 into 16 minus 21 into 5 हो गया आपका 5, और 5 to the 10 तो minus 105, तो ये बन जाएगा आपका 11 into 16 minus 105। अगर 105 में से हमने 16 हटा दिए तो हमारा बच जाएगा 89 minus 89। ये अब आपको सॉल्व करना है भाई, 89 into 11 करेंगे आप, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 89 into 11 करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह करो। आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है कि आपको कैलकुलेशन ऐसे टिप्स पे नहीं होती, बच्चों की तरह करो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दुनी एक बार वेरीफाई कर लो, 8 दुनी 16 लिखा है मैंने, 22 में से 21 लिखा है, इंटू माइनस 5 लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। 22 बटे 2 क्या होते हैं 11, भाई 2 into 2 इंटू 8 दुनी 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5, 21 इंटू 5 हमें करना था, तो 21 इंटू 5 नहीं आता, साइड में कर लो, 5 into 5 5 into 10 105, तो 105 लिख दिया, माइनस बाहर आ गया तो माइनस 105, 16 में से 105 गए, मतलब कि 105 में से हमें 16 माइनस करना है, तो यहाँ पे कैरी होगा, कैरी होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 105 में से 16 गए, यहाँ पे बन जाएगा आपका 15 में से 6 गए आपके बने 9, यहाँ पे 1 होगा तो 1 में से 1 गए आपके, यहाँ पे ये 9 बन जाएगा, 9 में से बन गए 8, तो ये 89 बन गया, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया, तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार शर्माते हैं कि भैया यार ऐसे बच्चों की तरह कैलकुलेशन करूंगा क्या, मैं भी करता हूँ कई बार बच्चों की तरह कैलकुलेशन, ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करूंगा, अभी मैं 89 into 11 करूंगा, बच्चों की तरह करूंगा। क्यों? क्योंकि सवाल का आंसर सही आना इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अपनी ईगो की यार मैं यार बच्चों की तरह सॉल्व कर रहा हूं, कौन देख रहा है। जब आप सवाल कर रहे होगे अपने एग्जाम में बैठ के, तो आपके आसपास कोई नहीं बैठा होगा, अकेले आप बैठे होगे,
भाई उस चेयर टेबल पे बोर्ड के एग्जाम में आप अकेले बैठे हो तो किसको क्या पता चल रहा है आप कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो। आंसर परफेक्ट आ रहा है उससे आपको फुल नंबर मिल रहे हैं, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि हमें यह है कि हम हवा में कैलकुलेशन करें और गलत कर दें। हवा में कैलकुलेशन करके गलत करना और जीरो नंबर लाना उससे तो बहुत अच्छा है कि यार बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर लो और पूरे नंबर लिया। तो बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर लो क्या जा रहा है 89 into 11 करें तो यहाँ पे 1 9 9 1 8 8 into 1 ये 89 89 तो ये 9 बन गया। नाउ दिन इज 9 2 18 होते हैं बट हम यहाँ पे 17 लेंगे क्योंकि हो गया और ये 9 9 79 इज द आंसर। इस तरह से करना है बच्चों की तरह करना है बिल्कुल ठीक है। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1 हमें बोल दिया कि nth टर्म ऑफ एपी जो है an जो है वो हमें दे रखा है 2n+1 फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ इस एपी हमें बताना है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगी। तो भाई देखो जब भी हमें सम ऑफ n टर्म्स में अगर हमें an पता होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 into a+an। a क्या है a मतलब पहली टर्म तो इसमें पहली टर्म हम निकाल सकते हैं a1 करके n की जगह 1 पुट करा तो 2 into 1+1 तो ये हो गया 3। तो जो sn होगा वो हो जाएगा n/2 हमें n टर्म्स ही निकालना है सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो sn रखेंगे n/2 into 3+an क्या है 2n+1 तो ये बन जाएगा n/2 into 2n+4। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं बाहर तो ये बन जाएगा n/2 into 2 कॉमन ले लिया into n+2 तो ये क्या गया तो ये बन जाएगा nn+2 तो ये हमारा आंसर होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP। तो इसमें हमने क्या करा हमें an दे रखा था an दे रखा था तो मैंने n/2 into a+an वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। क्लियर आगे बढ़ते हैं लिख लो इसको जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78 इसमें कितनी टर्म्स लें हम जिससे कि सम जो हो वो 78 है। हमें क्या पूछा है हमसे बोल लिया कि मान लो हम अज्यूम करते थे लेट अस अज्यूम कि वी टेक n टर्म्स हमने मान लिया कि हमने n टर्म्स लिए हैं ठीक है n टर्म्स लिए टू मेक देयर सम मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स जो होगा अब वो 78 होगा। क्या हो गया सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 78 हो गया। इसने पूछा है क्वेश्चन समझो बिल्कुल वैसे ही है जैसे an इक्वल टू हम ले लेते थे ना ऐसे हम sn इक्वल टू 78 ले दें। क्यों क्योंकि इसने बोला हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट उसका सम 78 हो तो मैंने बोल दिया कि n टर्म्स हमने ले लिए तो n टर्म्स अगर हमने ले लिए तो उसका सम जो होगा 78 होगा मतलब सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 78 होगा मतलब कि n/2 into 2a+n-1 into d इक्वल टू 78 होगा। तो n/2 कितना हो गया आपका वही हमें निकालना है n ही तो वैल्यू निकालनी है 2 into a क्या है 24 प्लस n-1 into d क्या है हमारा 21 में से 24 गए -3 इक्वल टू 78 ये 2 को उधर ले जाएंगे हम तो ये बन जाएगा n/24 into 2 हो गया 48 प्लस -3 into n-1 into यहां पे बन जाएगा 78 into 2 ये 2 में उठा के यहां ले गया 78 into 2 यहां पे बन जाएगा। हमें क्या करना है हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है क्यों क्योंकि वही आंसर है भाई हमने मान लिया n टर्म्स है वही हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है बिल्कुल वही उस तरह का सवाल। मैं इसको बार बार सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको स्पून फीडिंग होगी स्पून फीडिंग में नहीं चाहता हूं। ये इक्वेशन बन गया इस इक्वेशन में से n की वैल्यू निकालनी है मारो थोड़ा सा दिमाग मारो कमेंट्स में बताना कैसे करा आपने अगर किसी का नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता देना कैसे हुआ ठीक है। कमेंट सेक्शन बहुत आसान है n की वैल्यू बताना कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं है n की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करके बस मैथमेटिक्स लगानी है। आगे बढ़ते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला इन्होंने कि 100 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1+2+3 100 1000+4+n+1 up to 1000। क्या एक एपी है बिल्कुल एपी है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस हमें देख रहा है 2-1 1 3-2 1 4-1 3 1 तो इट इज एन एपी हमने देख लिया कि ये एक एपी है। तो हमें क्या करना है सम ऑफ 1000 टर्म्स निकालने हैं एपी के बस अब इस वाली तो सम ऑफ 1000 टर्म्स क्या कर देंगे हम n/2 into a+an भाई a+an वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे आखिरी टर्म हमें पता है कौन सी हमें निकालनी है तो ये हो गया 500 into 1001 क्या हो गया 500 500 500 500 ये आपका आंसर हो गया पहले का। सेकंड क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब पहले हमें 1000 तक बोला था पर अब बोल रहे कि ये प्लस सम ऑफ एन तक, तो क्या होगा सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो होगा एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, ए प्लस ए एन, तो ए प्लस ए एन क्या है 1 प्लस ए एन क्या है एन, तो ये बन जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको आगे 11 12th में काम आएगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो होता है एन एन प्लस 1 बाय 2, एन एन प्लस 1 बाय 2 ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अभी आपको रटो मत रटो कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में आपको 11th में ये पढ़ाएंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर जो होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है। कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं करा, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करा इन दोनों में कि एस एन होता है एन बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला यूज करके हमने इस वाले सवाल को और इस वाले सवाल को सॉल्व कर दिया। आसान है भाई, पूरा एपी जो है आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको बस डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि एपी की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको एपी की डेफिनेशन पता चल गई है तो आप पूरा का पूरा एपी निपटा दोगे, ठीक है। एपी की डेफिनेशन हमने पहली स्लाइड में पढ़ ही ली थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें बोला गया है कि एक मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट है जो कि 600 सेट बनाता है थर्ड ईयर में, 700 सेट बनाता है सेवंथ ईयर में, और बोला गया प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर, यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर, हमें बोल दिया कि फिक्स्ड नंबर से बनता है। जैसे ही हमें ये दे दिया तो हम कह देंगे देयरफॉर इट इज एन एपी, हर साल फिक्स्ड नंबर से बढ़ रहा है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस फिक्स है, देयरफॉर इट इज एन एपी। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि थर्ड ईयर, मतलब कि हमें दे रखा है कि थर्ड ईयर में 600 सेट्स हैं, और हमें दे रखा है कि सेवंथ ईयर में ए सेवन जो है वो हमें दे रखा है 700। इस तरह से हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में जो हमारी टर्म थी वो कुछ बनी होगी, हमें फिफ्थ की दे रखी है, हमें दे रखी है थर्ड की, कि भाई 600 इन द थर्ड ईयर 700 इन द सेवंथ ईयर, तो 600 इन फर्स्ट थर्ड ईयर और 700 इन सेवंथ ईयर, तो ए थ्री जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2, ए प्लस 2 डी में 600 दे रखा है, ए प्लस 6 डी में 700 दे रखा है। क्या मैंने ये सही लिखा है, दो इक्वेशंस पहली और दूसरी एक बार चेक करो, पहली और दूसरी इक्वेशन सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है, कोई गलती नहीं करी मैं भाई। ए थ्री मतलब ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए सेवन मतलब ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 6 डी ए प्लस 2 डी, ए की वैल्यू उठा के इसमें से उसमें पुट करते हैं, ए की वैल्यू होगी 600 माइनस 2 डी, ये उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो 600 माइनस 2d प्लस 6d इक्वल टू हो गया 700, तो यहां से हम कह देंगे 4d इक्वल टू 700 माइनस 600, तो 4d इक्वल टू 100 हो गया, तो d इक्वल टू आ गया 25, इसकी वैल्यू उठा के यहां पढ़ देंगे, तो a इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 25, तो a इक्वल टू हो गया 600 माइनस 50, तो 600 माइनस 50 मतलब a की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, ए की वैल्यू होगी आपकी 550। मतलब कि फर्स्ट ईयर में ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो ए वन जो है फर्स्ट ईयर में 550 सेट ऑफ टीवी बने थे, 550 सेट ऑफ टीवी बने थे। पहला क्वेश्चन प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, वही निकाला हमने 550, पहले का आंसर क्या है आपका 550। हमसे पूछा है प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर, अरे भाई टेंथ ईयर में प्रोडक्शन मतलब ए टेन ही तो पूछा हमसे, समझे सवाल समझे भाई, हमसे पहले जो दो चीजें थी बिल्कुल वही सवाल है जो हमने पहले का रखा है कि भाई ए और डी निकालिए, ए और डी निकालिए, अब तो हमें पूरी एपी पता चल जाएगी, तो हमें अब टेंथ बनानी है, टेंथ टर्म क्या होगी ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 9 डी, तो ए क्या है आपका, ए आपका 550 प्लस 9 इंटू डी क्या है आपका 25, तो 550 प्लस 25 इंटू 9, बताओ किसके दिमाग में है तो दम कि वो 25 इंटू 9 करके दिखा दे, मैंने कहा मैं करके दिखाता हूं 250, देखो 25 इंटू 10 होता है 250, उसमें से 25 घटा दे, तो 250 में से 25 घटा दे तो आपको मिल जाएगा 225, तो 550 में से अगर आप 225 ऐड करोगे तो 550 में 225 ऐड करोगे तो यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 5 6 7 बनेगा, यहाँ 5 6 7, तो 775 जो है इतने टीवी बनेंगे आपके 10वें साल में, कितने 775। आपसे पूछा टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स, पहले 7 साल में कितनी टोटल प्रोडक्शन होगी, मतलब हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया कि सम ऑफ 7 टर्म्स, पहले 7 साल में कितनी प्रोडक्शन, भाई पहले साल में 550 बनी है ना, फिर दूसरे साल में कुछ बनी होंगी, फिर दूसरे साल में कुछ बनी होंगी, इस तरह से करके 7th ईयर तक कितनी प्रोडक्शन होगी, तो हमसे S7 पूछ लिया, सबको ऐड करके पूछ लिया, तो S7 क्या होगा 7 बाय 2 इंटू 2A
ए क्या है 550 प्लस, यहां हमें सेवन पता है, हमें ए सेवन पता है, हमें ए सेवन पता है गैस, ए सेवन था 700, तो हम सीधा वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा, एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन, तो एस सेवन जो होगा वो होगा एन बाय टू, मतलब सेवन बाय टू इंटू ए प्लस ए सेवन, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही होगी, सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि n by 2 into a plus an, तो n by 2 is 7 by 2 into a क्या है 550 plus an क्या है a7 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, a7 हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या 700, तो a7 हम यहाँ पे 700 यूज कर लेंगे, तो प्लस 700 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 7 by 2 into 700 plus 550, तो ये 0, ये 5, 7 और 5 आपके आ गए 1250, ठीक है। तो यहां से हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 2 2 4 2 5 10, 625 इंटू 7 क्या 625 इंटू 7 ये हमें निकालना है, तो हम बराबर में बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर लेंगे, 625 इंटू 7 75 35, 7 2 14 14 और 3 14 15 16 17 14 और 3 हो गए 17 76 54 54 और 1 55, तो 5575 इतने नंबर ऑफ सेट जो है टोटल प्रोड्यूस होंगे 7 साल में, तो 7 साल में ये जो टीवी मैन्युफैक्चरर है ये 5575 टीवी बना चुका होगा। आपको ये नोट डाउन करना है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो, मैं जल्दी से आपको पहले पहला और दूसरा दिखा देता हूं। पहला और दूसरा सवाल ये था आपका, पहला और दूसरा मैंने यहां सॉल्व करा, ठीक है, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा आप लिख लो, सवाल देखना, सवाल आपके एनसीईआरटी का सवाल है शायद, हाँ एनसीईआरटी से उठाया था मैंने, तो ये पहला सवाल और दूसरा सवाल मैंने सॉल्व करा, ए की वैल्यू मिल गई, टेंथ में इतने हुए, फिर हमसे पूछा कि टोटल कितने हुए, टोटल 7 साल में कितने हुए, तो टोटल 7 साल में मैंने इतने निकाल दिए कि ए एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन, तो ए एन क्या है ए सेवन हमें 700 दे रखा था, ए हमने 550 निकाला, तो 550 प्लस 700 हो गया आपको 1250, तो 1250 को 2 से काटा 625 625 7, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करा 625 7, 7 5 35 7 14 14 और 3 हो गया आपका 17, तो 17 और 1 कैरी 7 6 54 55 5 5 7 5, ये आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन दोज 7 फर्स्ट ईयर इतने कर लिए होंगे, है ना, धंधा बना रहे हैं भाई साहब धंधा, टोटल 7 साल में कितने उन्होंने टीवी सेट बना लिए। आपकी स्क्रीन पे आखिरी सवाल ऑफ एपी आ चुका है, इसके बाद आप एपी में महारत हासिल कर चुके हो, कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, देखो इसने क्या कहा, ये दिखने में ऐसा होता है भाई एक्सरसाइज का आपका शायद आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, आखिरी या दूसरा तीसरा लास्ट थर्ड सवाल है, दिखने में ऐसा पता नहीं क्या है, सॉल्व करो यूं हो जाता है, कैसे देखो, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर ऑल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए, तो ए को सेंटर माना, ए को सेंटर माना इतना घुमा, फिर उसके बाद इसने बी को सेंटर माना इतना घुमा, फिर इसने वापस से ए को सेंटर माना इतना घुमा, फिर इसने बी को सेंटर माना इतना घुमा, ऐसे करते करते घूमता रहेगा, तो पहला जो सेंटर से घुमा ये पहली रेडियस इसको मिली 0.5 की, दूसरी रेडियस इसको मिली 1 की, तीसरी रेडियस इसको मिली 1.5 की, फिर 2 की, फिर इस तरह से आगे बढ़ती रही, तो इसकी जो रेडियस हुई, क्या बोला मैंने, जो रेडियस का इसका बढ़ता रहा आर1 आर2 आर3 वो क्या हुआ 0.5 1 1.5 2 and so on, मतलब कि 0.5 को 1 by 2 लिख सकते हैं, 1 by 2, 1, 3 by 2, 2 and so on, ये क्या हो गया आपका, ये radius हो गई, ये बोल रहा है कि what is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles, 13 बार ये semicircle बना रहा है, तो कितनी length होगी, मतलब कि मान लो ये एक बार घुमा length 1, दूसरी बार घुमा length 2, तीसरी बार घुमा length 3 and so on up to 13 बार ये घुमा, तो यहां से यहां तक जब ये घुमा तो ये L1 हुआ, फिर ये यहां से यहां तक घुमा तो ये L2 लेंथ हुई, फिर यहां से यहां तक घूमी तो L3 लेंथ हुई, फिर यहां से यहां तक घुमा L4 लेंथ हुई, इस तरह से ये 13 तक घुमा, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी भाई, ये क्या है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल है, तो L1 क्या होगा, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस भाई पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का बाय 2 कर दो तो πr होगा, तो L1 जो होगा वो होगा πr1, r1 क्या है 1/2, L2 क्या होगा πr2, L3 क्या होगा πr3 एंड सो ऑन अप टू πr13, भाई πr1 क्या होगा π × r1, r1 1/2 है तो π/2, r2 1 है π, r3 3/2 है 3/2,
थ्री पाई बाय टू, फिर टू पाई, इस तरह से करके ये चलता रहेगा एल थर्टीन तक। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इन टोटल का सम निकालना है। भाई समय तो कर रहे थे हम, इनका समय तो कर रहे थे ऊपर, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, ये तो हमें निकालना है, इसका समय तो निकालना है। तो क्या एक ए बी बन रही है? क्या आपको सवाल समझ में आ गया? एक बार मेरे को ये बताओ सवाल समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो हमसे बोला गया कि ये सेमी सर्कल्स ऐसे ऐसे बने जा रहे हैं, पहले इसने ए को सेंटर माना ऐसे घूम गया, फिर इसने बी को सेंटर माना इतना घूम गया, फिर इसने वापस से ए को सेंटर माना इतना बड़ा सर्कल घूमा, फिर इसने बी को सेंटर माना इतना बड़ा सर्कल घूमा। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ जो थी वो एल वन थी, जब ये एक सर्कल घूमा तो ये एल वन थी। एल वन क्या है? एल वन सर्कमफेरेंस ही तो, वही तो है सर्कमफेरेंस, पैरामीटर सर्कमफेरेंस एक ही बात है। तो आपका ये पैरामीटर ही तो है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पूरे सर्कल का टू पाई आर होता है, तो आधे सर्कल का डिवाइड बाय टू, तो पाई आर होगा। तो पहला पैरामीटर होगा पाई आर वन, तो आर वन की वैल्यू 0.5 दे रखी है, 1/2 दे रखी है, तो पाई बाय टू। दूसरा होगा पाई आर टू, ये जो होगा यहां से यहां तक, ये जो एल टू बनेगा, ये यहां से यहां तक जो एल टू बन रहा है, ये एल टू जो बन रहा है, ये एल टू होगा पाई आर टू, तो पाई इंटू आर टू वन वन। तीसरा होगा ये वाला जो सर्कल बन रहा है, ये होगा एल थ्री, तो एल थ्री होगा पाई आर थ्री, पाई इंटू थ्री बाय टू, पाई इंटू थ्री बाय टू। फिर उसके बाद होगा टू पाई, यहां से यहां तक जो घूम रहा है, ये पूरा जो सर्कल होगा होगा पाई इंटू आर फोर, तो पाई इंटू आर फोर क्या है? टू है, तो टू इंटू पाई। इस तरह से करते करते 13, तो हमें क्या करना है, एस 13 निकालना है इस एपी का, हमें एस 13 निकालना है। क्या ये एपी बन रहा है? पहले देख ले क्या ये एपी बन रहा है? मेरे हिसाब से तो बन रहा है, देख लेते हैं वापस से। मान लो ये ए वन है, ये मान लो ए टू है, ये मान लो ए थ्री है, ये मान लो ए फोर है, तो ए टू माइनस ए वन जो होगा वो होगा पाई माइनस पाई बाई टू, जो कि होगा पाई बाई टू। ए थ्री माइनस ए टू क्या होगा? ए थ्री माइनस होगा थ्री पाई बाई टू में से पाई हटा दिया, थ्री पाई बाई टू में से पाई हटाया तो पाई बाई टू आया। ए फोर माइनस ए थ्री जो होगा वो होगा टू पाई माइनस थ्री पाई बाई टू, टू पाई माइनस थ्री पाई बाई टू जो होगा ये हो जाएगा एलसीएम टू लेंगे, टू टू का फोर, फोर माइनस वन पाई बाई टू। तो भाई तीनों का तीनों जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन एपी। जैसे ही एपी पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो वो क्या होगा, एन बाय टू इंटू टू ए, टू इंटू ए क्या है पाई बाय टू, एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इज टू ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इज 13 माइनस वन इंटू डी क्या है पाई बाय टू। सॉल्व करें, कर देता हूं यार, ये वाला तो सॉल्व कर देता हूं, आखिरी सवाल है आपके लिए। तो ठीक है, 13 बाय टू इंटू ये गया पाई प्लस 12 पाई बाय टू, टू सिक्स आर 12, ये बन जाएगा 13 बाय टू इंटू सिक्स पाई प्लस पाई 7 पाई। तो ये आपका आंसर है, 13 सेवन था, 13 सेवन था निकाल लो, 7 थ्री जा 21, 7 जा 7 8 9 91, तो 91 पाई बाय टू दिस इज योर आंसर। ये क्या है, ये तो टोटल आपकी लेंथ होगी, ये आपकी लेंथ होगी, इतनी सेंटीमीटर आपकी लेंथ होगी। समझ में आ गया, एपी आसान था ना, कुछ भी नहीं था भाई, इस वाले सवाल में कुछ नहीं था, आपको बस समझना था। समझने का क्या था कि बस जितनी लेंथ है, लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस, पैरामीटर, तो जितनी पैरामीटर है वो सारी पैरामीटर्स आपको ऐड करनी है, सारी पैरामीटर्स आप ऐड कर दोगे तो एपी बनती हुई दिखेगी। तो आपको टोटल 13 टर्म्स ऑफ एन एपी का सम निकालना है, आप लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, अब यहां तक लिख लो नीचे का। तो टोटल आपको 13 लेंथ का सम निकालना था, मतलब 13 सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का सम निकालना था, आपने निकाल दिया, आपका एपी खत्म हो गया। यहां पे जितने आपके क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप एनसीईआरटी उठाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है मैंने करवा दिए हैं, कुछ मैंने आपके लिए छोड़े हैं, क्योंकि मैं सारे स्पून फीड करवा दूंगा तो आप क्या सीखोगे, तो इसलिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल थे वो सारे उठा के, एनसीईआरटी आरडी के भी कुछ सवाल थे इसमें, आरएस के भी कुछ सवाल थे, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। अब आपका काम है आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी उठाने के बाद एक एक सवाल को खुद सॉल्व करो, उसका आंसर निकालो। नहीं आ रहा है गूगल पे देख सकते हो, सब जगह तो फ्री में अवेलेबल है सारे सॉल्यूशन, वो आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ, आपके लिए शोभित भैया 24/7 हाजिर हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, बाय, टेक केयर। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर दे दिया है, उसको देख लेना। अगला कौन सा चाहिए मेरे को बताओ, 3-4 दिन में मैं लेके आता हूं। बाय बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय। ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार वापस से देख लो यार, कौन सा बड़ी बात होगी, कितना 1.5-2 घंटे का चैप्टर बना होगा बस। बाय, टेक केयर, जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय। तब तक के लिए भाई, पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय, ये बोलना भूल गया था मैं, बाय बाय बाय, जाओ पढ़ लो, बाय।